चलिए तो कल के क्लास में आप लोगों को अभी तक सक्सेसिव क्या होता है इंक्रीज और डिक्रीज, साथ में कंपाउंड इंटरेस्ट, सक्सेसिव क्या है इंक्रीज, है ना, ये सब जानकारी दे चुके हैं। उस पर आधारित हर तरह के पैटर्न भी बता चुके हैं। अब उसी के प्रयोग करके शॉर्ट से शॉर्ट तरीका से किस तरीका से मैथ बनाएंगे कंपाउंड इंटरेस्ट का, आज उसके बारे में चर्चा करेंगे। कुछ भी निकालना हो, दिया हुआ राशि की तुलना दिया हुआ से, गुने जो निकालना हो उससे गुना कर देंगे, यह सब तो है। साथ में टाइम रेट निकालने की बात थी, तो आज के क्लास में संभव होगा तो चलेगा, अन्यथा अभी यही बेसिक फॉर्मूला को बिना प्रयोग किए हुए किस तरीका से हम लोग क्या निकालना जानेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट का है ना रेट जानना निकालने सीखेंगे, ठीक है। इफेक्टिव रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट और उसके बीच में रेशियो फिट करना सीखेंगे। रेशियो फिट कर लेंगे तब ना दिया हुआ के तुलना तो दिया हुआ से कराएंगे। चलिए मान लीजिए कंपाउंड इंटरेस्ट जो है x प्रतिशत और y प्रतिशत रेट दे दे, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या दे दे, रेट दे दे, पहला साल के लिए इस तरीका ये वाला और दूसरा साल के लिए ये y प्रतिशत है, ठीक है। तब क्या करेंगे, ठीक है, माने है, ठीक है, इफ रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर टू इयर्स एक्स एंड वाई, इफ कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर टू इयर्स एक्स एंड वाई, देन द फाइनल रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ टू ईयर इज क्या, एक्स प्लस वाई जोड़ एक्स वाई बाय 100। सक्सेसिव इन आपको इंक्रीज में यह फॉर्मूला उस दिन पहले क्लास में सिद्ध करके बताया कि यह फॉर्मूला कैसे आया, बताए थे, इसी का प्रयोग करेंगे। इफ द रेट ऑफ फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर एक्स परसेंट एंड वाई परसेंट, यहाँ पर कुछ भी डाटा आ सकता है ना, देन द फाइनल रेट ऑफ सी आई ऑफ टू ईयर इज कितना, एक्स प्लस वाई जोड़ एक्स वाई बाई 100 एंड द फाइनल रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट बिटवीन डिफरेंस ऑफ टू ईयर्स टू ईयर क्या होगा, एक्स वाई बटा 100। कुछ ना है बीच में, मतलब क्या छिपा हुआ, गुना छिपा लगता इतना पर। आज इसको इस पर पैटर्न हम आधारित बात को बताएंगे। पहले ही बता चुके हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो है एक प्रकार का क्या है, सक्सेसिव क्या है, इंक्रीज है, बढ़ता है, तो उसका फॉर्मूला ये सिद्ध किए हुए हैं। तो आज इसका प्रयोग डायरेक्ट करेंगे तो एक दा बता दिए कि अगर पहला साल और दूसरा साल के लिए रेट अगर इस तरीका से दिया रहेगा तो उसका जो वास्तविक जो है अंतिम जो है कंपाउंड इंटरेस्ट दो साल का इस तरीका से इतना होगा, और कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर जो होगा दोनों के बीच का दो सालों के लिए एक्स वाई बाय 100। अभी तक हम लोग क्या करते थे, दो ईयर के रहता था तो
जो भिन्न में बदल लेते थे, या 100 प्लस x, जब मूलधन 100 तो मिश्रधन 100 प्लस x, जब मूलधन y तो जब मूलधन 100 अगर ये ब्याज y तो मिश्रधन कितना आता था 100 प्लस y करके रेशियो बैठा रहे, तो वहां पे भिन्न के रूप में डाटा रहता था 20%, तो काट के 1/5 आता था, तो कहते थे मूलधन 5 तो मिश्रधन 5 × 1 = 6। इस तरीका से लिख के तब ना हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट या जो भी निकालना रहता था निकालते थे, लेकिन अब उसका प्रयोग नहीं करेंगे। अब इसी का प्रयोग करके हम जान जाएंगे कि फाइनल रेट क्या होगा सी आई और ठीक है और एस आई भी, दोनों का बीच का अंतर भी इसका प्रयोग करके जानेंगे। ठीक है, कैसे जानेंगे तो एग्जाम्पल देखेंगे तो तुरंत समझ में आएगा। ये जाहिर सी बात है कि आप लोग को याद होगा, नहीं याद होने का बात नहीं है क्योंकि क्षेत्रमिति कर है, परसेंटेज है, प्रतिशत में नहीं चला था, बिल्कुल चला था, लेकिन वहां पर हमने यह नहीं बताया था कि यह सक्सेसिव इंक्रीज ही है ना, जहां जिसका जरूरी है वहां पर। बहुत बढ़िया, एग्जाम्पल के लिए हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, मान लो मूलधन हमको दे दे 5000 रुपया, कितना हजार रुपया रखूंगा 5000, रेट जो है पहला साल के लिए और दूसरा साल के लिए, देख लीजिए पहला साल के लिए 3% से और दूसरा साल के लिए मान लीजिए 7% से, और कह दे कि टाइम जो है 2 ईयर वाला है, कितना ईयर वाला है भाई 2 ईयर, तब तुमसे कह दे कि कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ, क्या बताओ कंपाउंड इंटरेस्ट। अब देखिए इस तरीका से आने लगे, कुछ नहीं कंपाउंड इंटरेस्ट हमको निकालना है, तो दिया हुआ है मूलधन की तुलना मूलधन से और गुणे जो भी कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा रेट वो उससे हम गुना करा देंगे कि नहीं करा देंगे बताइए। हमने बोला था कि इफ कंपाउंड इंटरेस्ट का जो रेट है अगर 1% फर्स्ट ईयर के लिए और दूसरा साल के लिए 1% हो तो फाइनल रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट हमने सक्सेसिव इंक्रीज के माध्यम से बताया था x + y / xy / 100 इतना प्रतिशत, तो अगर इसका इसका मान हम इसमें रखें तो फाइनल रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट 2 ईयर का निकल के आएगा कि नहीं, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आएगा कि नहीं। चलिए इसके बीच में रेशियो वाला मान निकल के देखते हैं कैसे निकल के आता है। देखिए तो 3 + 7 + 3 × 7 = 100 / 100 यहाँ लिखा गया देखो 100 इसके बट्टा में ना है 100। ठीक, अब बताओ 7 × 3 होता कितना है, इतना का मान 10, आई हो जाएगा 21 / 100। रे भाई 100 पर है 10 + इसको जब भाग देने जाएगा तो 0.21 होगा कि नहीं होगा, तो ये हो जाएगा 10.21 जोड़ देंगे तो इतना होगा कि नहीं, तो यह हो गया क्या फाइनल रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 2 ईयर 2 सालों का है कि नहीं। तब बताओ मूलधन देल है कितना 5000, निश्चित राशि मूलधन देल है, मूलधन की तुलना परसेंटेज में है, जाहिर सी बात है कंपाउंड इंटरेस्ट इतना प्रतिशत ना है भाई, इतना परसेंटेज ना है, इसका मतलब परसेंटेज का मतलब हो कि जब 100 रुपया मूलधन रहा होते है तो ब्याज 10.21 समझा कि नहीं, परसेंटेज का मतलब ये रेट में क्या छिपा रहता है मूलधन ब्याज ही ना रहता है, आई कई सालों के लिए आया है 2 सालों का, क्योंकि अभी जो हम फॉर्मूला प्रयोग कर रहे हैं 2 साल के ना है फाइनल। तो बताओ अगर मूलधन दिया है 5000 मूलधन की तुलना मूलधन से, तो 100 कहां से लिखे किसी को कोई दिक्कत नहीं। हाँ
आ गुने दू साल कंपाउंड इंटरेस्ट हमरा बताना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट आखिर कै साल के निकालना होगा? दो साल। जितना साल तक हम धन अपना पास रखेंगे उतने साल के ना ब्याज देंगे रे भाई। तो इधर कितना है ले ब्याज फाइनल रेट? 10.21 10.21 इससे गुना करा दिए तो ब्याज नहीं निकल जाएगा? चक्रवृद्धि ब्याज मूलधन की तुलना मूलधन से गुने चक्रवृद्धि ब्याज दो साल का निकालना है तो दो साल के फाइनल कंपाउंड इंटरेस्ट तो हमने इतना गेन किया प्राप्त किया उससे गुना करा देंगे कि ना? मेटरे हो जाएगा सॉल्व। बता यू रहा ये दशमलव तो बट्टा में दू गो जीरो भेजते कि ना? दुई सुन्ना से दुई सुन्ना एक सुन्ना से एक सुन्ना। अब बता इसे पांच से गुना करवाई तो पांच दस एक इक्यावन जीरो एक होते ना रे पांच न रे इक्यावन जीरो पांच पांच से गुना कराएंगे तो कितना होगा? ठीक अब बट्टा में दस बचले रहेगा तो कितना हो जाएगा? जल्दी भाग दो 510.5 किसी को कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये काटे कुटे काम सिखाए हम तोरा ये बता दिए ये काफी काटना कुटना तो आपको बाएं हाथ का गेम। देखिए थोड़ा इधर देख लेते हैं बुआ जो नया नया अखबार एक आगे होगा तो उसको तो उड़ने रहेगा। जब ऐसे रहता था तो हम कहते थे ना कि इसको भिन्न के रूप में लिखो तो ये हो जाएगा कितना 3/100 ये हो जाता 7/100 रे भाई 100 तो कहते थे मूलधन 100 तो मिस्टर कंपाउंड इंटरेस्ट जल्दी बोल 103 फिर मूलधन 100 या अमाउंट अमाउंट ना ये मूलधन अब ब्याज की जरूरत है अमाउंट ना थी वेरी गुड 100 जोड़ 7 107 दो साल ला रहा था इतने छोड़ दिए 3 साल रहता तो और इसी तरीका से लिखते और क्या करते थे यहाँ गुना करा लेते 1000 पर 10000 एकरा गुना कराते तो जितना आना होता से आ जाता साथ में ये दोनों का अंतर क्या होता कंपाउंड इंटरेस्ट ये दोनों जमा ना था उसको घटा लेते अब बस तुलना करा नहीं ले मूलधन की तुलना मूलधन से गुना निकाल लेते थे लेकिन इतना करने की अब आवश्यकता नहीं है। हम लोग इस तरीका से रेट भी निकाल के तुलना करा सकते हैं। ठीक है एक दाव देख लो एक दाव देखते हैं मूलधन दिया हुआ है रेट दिया हुआ है समय दिया हुआ है हमको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। इस तरीका से सक्सेसिव इंक्रीज के माध्यम से हमने कंपाउंड इंटरेस्ट प्राप्त कर लेंगे जोड़ के। ठीक है क्या होला ना समझ में आ रहा है ना आ रहा है तो खाली सुनना है नानी घर घूमे तो कैसे होता ध्यान में लग रखो देखिए। ठीक है वेरी गुड अब मूलधन की निश्चित राशि तुलना मूलधन से गुणे चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो सब लगा आने लगेगा। अरे अभी तो ये कोई एग्जांपल लिया छोटा सा यह ना निकालने आया होगा आ जाएगा तकलीफ करा इतना साल वेट किए तो ना ही एक साल आऊंगा वेट कर लेंगे तो दिक्कत साल दर साल सीख लेंगे साल दर साल सीखते रहना है क्या कीजिए हमसे ले रिटायर करवा दे अभी हमारा बुढ़ापा आ गया। जरूरी है क्या करें जी बिल्कुल चल बबुआ रे एक और देख ले छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन वह क्वेश्चन में आउट चलिए अमरी मूलधन निकाल ला कह देता हूँ रेट दे देगा पहला साल दूसरा साल का पहला साल 3% के रेट से और दूसरा साल 4% के रेट से टाइम दुइये साल ले ले है टाइम कितना साल दुइये साल तुमको ना हमारे कंपाउंड इंटरेस्ट 3560 रुपया दे देगा 3560 रुपया दे देगा तो बताइए मूलधन कैसे निकालिएगा? कुछ नहीं रेट अलग अलग दे है वहाँ से 2 ईयर का हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं कि नहीं? हाँ। कहने का मतलब
एक्स प्रतिशत वाई प्रतिशत अलग अलग दो सालों के लिए दे लेता था, पहला साल के अलग दूसरा साल के अलग रेट रेट का मान, तो देन उसका इफेक्टिव रेट कैसे निकालते थे, इफेक्टिव रेट ऑफ क्या कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते थे, जल्दी बोल रहे ठीक है। अब बताओ तो हिया तो एक्स वाई कथी है तीन चार न है, तो तीन जोड़ चार जोड़ तीन गुने चार बटा सौ लिख दो आय, तो ये तो चार तीन सात हो जाता या हो जाते बारह बट्टा सौ आय बताता, ये तो एक दशमलव दो होते कि ना सौ से भाग देवे सात दशमलव एक दो प्रतिशत कथी वाला है फाइनल रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ टू इयर्स 7.12%। You know that how can I find the principal of this question? CI compare with CI and multiply by है ना मूलधन, तो मूलधन कितना से गुना कराओ सौ से, बताओ ब्याज दिल है दो सालों का, ब्याज निश्चित राशि 35-60 दिल है, ब्याज की तुलना दो सालों का ब्याज से और गुना करा देंगे मूलधन निकल रहा है सौ से, मीटर खत्म हो जाएगा भाई बार रे दशमलव रही बे, तो एक सौ ऊपर आ जाते कि ना जाते, इससे ना ये पांच बार में कट जाएगा, देखो बारह पच्चे साठ सात पच्चे पैंतीस कहने का मतलब पांच गुना दस पांच गए पांच एक छ सात पच्चे पैंतीस कट गया पांच बार में। अब बताओ भाई पांच बार में कट गई, पांच को इतना से गुना करा ले भाई, तब पांच इकाई पांच आ चार को तो हजुआ जीरो सब का देवे तो मूलधन ना हो गए रे, इस तरीका से ब्याज हम इस तरीका से फाइंड करेंगे। आ कहता कि हमको साधारण ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बताओ, क्या बताओ, तो खाली एकरा हटा लेते सात के तो हो जाता जीरो दशमलव एक न बोले थे एक्स वाई बाय हंड्रेड दोनों का बीच का अंतर, लेकिन कहेगा कि नहीं दोनों साल का कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ, तो पूरे एक्स वाई प्लस एक्स वाई बाय हंड्रेड यहां से भी हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं ठीक है, समझते चलना है। और क्वेश्चन इसी पर आप लोग जब किताब का बनाइएगा तो देखी जाएगा, नहीं तो हम है ना करवाने के लिए समझ रहे हो, दिक्कत दिक्कत हो जाए तो जानिए कि चार गो पांच गो वीडियो जो पढ़ाए हम वो व्यर्थ पढ़ा दिए, जो नहीं देखा उसको सब छात्र पूरा दिक्कत हो, आप अगर पांच क्लास में जो नहीं बैठा है बच्चा चार क्लास में उसको पूरा दिक्कत होगा, अब यहाँ कोई दिक्कत नहीं, आपको हमको बताना ना पड़ेगा कि मूलधन क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट व्हाट इज कंपाउंड इंटरेस्ट, रेट व्हाट इज रेट, व्हाट इज द रेट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, ये सब हमको दिखाने की जरूरी नहीं है, डायरेक्ट आपको पता चलेगा क्या आखिर ये सब है क्या, पांच क्लास में हमने क्या किया सब दिखेगा, अभी देखते रहिए ना। हो गया इसी बात को ऐसे लिख दिया, क्या किया है मूलधन की तुलना नहीं करा दिया, ब्याज से गुना करा दिया कंपाउंड रेट दो साल के, तो यह ना प्राप्त होगा, अब फिर तो क्रॉस मल्टीप्लाईकेशन करेंगे तो ब्याज की तुलना ब्याज से गुना सौ हो जाएगा, तो क्या है तो हम इसको क्यों पापड़ बेलते रहे, डायरेक्ट हम ये क्यों नहीं लिखे कि ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज की तुलना चक्रवृद्धि ब्याज से गुना सौ कर देंगे, मूलधन आ गया कि नहीं आ गया, समझ में आया कि नहीं आया, हाँ दिख रहा है इसमें कि हावे में हम बोल रहे थे, चलिए
ये ना समझा रहे थे कि दूसरा क्वेश्चन था। चलो एक आध और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन कहता है कि मूलधन ने 200 रुपया है, कितना सर है बउआ? 200 रुपया मूलधन है। रेट रे भाई पहला साल के लिए 3%, बता ऐसा तो कट फुट के छोटा मान भी नहीं आएगा, झूठो के 103-105 से गुना कौन करे जाएगा? आए वैसे बनिया की इफेक्टिव रेट ना निकाल ले जल्दी सिका, समझा? वो सब जो बताए थे ना वो सब आपको ज्ञान खोलने के लिए कि ऐसे होता है ये चीज। अब धक सिका कैसे बनाना ये देखना है, परीक्षा हो देखते जाओ। रेट पहला साल के लिए 3% और दूसरा साल चलाएगा 2%। जानता है एक के रेट अगर 3% दे देता है ना तो एक मतलब होता है कि पहला साल भी 3% और दूसरा साल भी 3%, लेकिन वो साथ साथ लिख के दे दे कि ना पहला साल 3% से है, दूसरा साल इतना प्रतिशत से, तो बस जो लिख दिया सो लिख दिया है ना। तो क्या कहता भैया एक के वो रेट दे देता 3%, तो क्या आप जो वहां पर जो फॉर्मूला लगाते हैं फाइनल रेट ऑफ टू इयर्स एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाय 100 वो लगेगा बिल्कुल, 100 के जगह यह लिखते हैं, वाईओ के जगह यह लिखते, समझा कि नहीं? दो दो तीन तीन लिख लेते, समझ में आ रहा है? अलग अलग दे दिया थे और सोने पर सुहागा। जोर देना। देखिए भैया चल टाइम दे दे कि 2 साल तक अपना पास धन रख लिया, ये टाइम का मतलब हो कि कोई व्यक्ति धन लेके कितना दिन तक अपना पास रख लिया, इतना दिन के बाद जा रहा आदमी कर्ज लौटावे, वही ना टाइम होता है साधारण ब्याज चाहे चक्रवृद्धि ब्याज। आप पूछ रहे हो ना सीआईएसआई के अंतर बताओ, सीआईएसआई के अंतर बताओ। अच्छा बात है, बहुत सुंदर बात बताओ। जब क्वेश्चन में आता था इस तरीका से तो हमने बोला था कि द फाइनल रेट ऑफ कंपाउंड डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर टू इयर्स, क्या बताए थे? कुछ तो बोल। बिल्कुल सही, तो कुछ नहीं एक्स वाई यहाँ दे है ना रे भाई, 3×2/100 बताओ 0.06% होगा कि नहीं? 3×6/100 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा कि नहीं? हो गया। इसका मतलब है कि मूलधन जब 100 होगा ना तो 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट दोनों का बीच का अंतर 0.06। कब? जब मूलधन 100 होगा तब। हमको सीआईएसआई का अंतर निकालना ही है, तो दिया हुआ सुंदर निश्चित राशि के तुलना दिया हुआ से निकालना से गुना, दोनों का अंतर निकालना है तो दोनों का अंतर से गुना कराएंगे कि नहीं कराएंगे? बहुत बढ़िया। देल कथी है भाई? मूलधन देल है, मूलधन की तुलना ये में 100 छिपल है चिकना मूलधन हो गया, मूलधन की तुलना मूलधन से गुना दोनों का बस। अब बता हुआ अलग अलग निकाल के आ तब दोनों के कॉमन हटा के जब बाद में आता था तो कहते थे दोनों का बीच का अंतर है कि नहीं है? अब उसे करने की आवश्यकता नहीं, इससे भी हो जाए। 2 साल के रहे तो अब देखना है कैसे होगा, 3 साल के रहे तो वह दिखाएंगे, अब देखते रहना है। हाँ यह सब चलेगा, धक धक उड़ेगा। चलिए 2 सुन्ना से सुन ले रहे भाई भाई, यो उड़ती थे तो बट्टा में 2 सुन्ना और भेजते कि ना भेजते? चलिए आप तो हो जाएगा 6×2=12 और बट्टा में 100 बचल थे कि ना? 0.12 रे भाई भाई, आय 12 पैसा कह सकल है कि ना? भारी है रे, ये तो बहुत आसान हो गया। यह कहता कि ना कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ तो एक्स प्लस वाई है तो प्लस एक्स वाई बाय, और सीधा कहता है दोनों का बीच का अंतर तो एक्स वाई बाय 100 मेट्रिक सॉल्व, ये तो ओहो से शॉर्ट एंड फास्ट। लेकिन जे भाई ना देख ले होते पिछला क्लास ओकरा सके की होते समझ ही रहल थे आय दुर्दशा हो जाए, तो दुर्दशा से बचने के लिए
दुर्दशा से पिछला क्लास देखना बहुत जरूरी है। हाँ आ न तो जो हम यार पढ़ल लिखल रहता है तो समझिए जाता है कहीं से नहीं समझ जाता तेज रहता है कहीं से समझ जाता तो जो वीडियो देख रहा है तेज होवे करे पढ़ रहा है तू सामने से तू बुड़बक ना मतलब समझा। चलो पी आर देखिए रेट पहला साल के लिए मान लो 6% से दूसरा साल के लिए 7% से मजा आती कितना पड़ोस में बनावे में लोड पड़ जाती 107 से तो गुना करो 106 में टाइम जाहिर सी बात है अका एक साल कुछ महीना ना दे सकता था एक साल कुछ दिन में नहीं सजा सकता था वो आएगा तो देखेंगे कैसे बनता है पहले ये तो देख ले सिंपल सिंपल दो तीन साल में सब बनेगा। हनी सिंह की तरह सोर मचेगा फ्लोर देखिए सबसे पहले तो CISI का अंतर पूछे तो आखिर CISI के 2 year का जल्दी से कर बता कैसे निकालो है प्रतिशत रे भाई जल्दी बोल 0.42% ठीक है। आप बता हमरा निकालना है जो फाइंड करना रहता है निश्चित राशि हमारी दिल कथी है जा 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 दुनिया पूछ दिलो रे दुनिया में से कोई एक भी चीज ना देला हूँ मूलधन 200 दिल है मूलधन 200 हाँ तो मूलधन की तुलना मूलधन से गुणे दोनों का अंतर निकालना है तो दोनों के अंतर निश्चित राशि ना देता है तो कहते कि क्वेश्चन अधूरा है क्वेश्चन गलत कैसे बना है पूछ रहे कुछ तो उसको बताना पड़ेगा ना। हाँ कुछ नहीं देगा तो ज्यादा से ज्यादा अगर खाली रेटे दे देगा तो बस यही बताया जा सकता है दोनों का बीच का कंपाउंड इंटरेस्ट का अंतर या दोनों से जो कंपाउंड इंटरेस्ट 100 रुपया पर बनती है x + y x / y/100 बस वही बताया जा सकता है बाकी कोई सीधे पूछ देता है मूलधन क्या तो कहाँ बताएगा पूछ देगा कि बताओ दोनों का अंतर क्या था कैसे बताएगा कुछ ना कुछ निश्चित राशि उसको बिना निश्चित राशि दिले कुछ तो मान लो मूलधन दे दिया मूलधन की तुलना मूलधन से और निकालना है दोनों का अंतर तो इससे क्या करा देंगे रे भाई गुना करा देंगे 0.42 काट कुट लगा तो नहीं बन जाएगा बन जाएगा 0.84 चलो मिटा दे कि काट दे दो सुनना से ये हटाए तो बट्टा में 42 दुना बट्टा में 100 बचल तो 0.84 रुपया चलो रुपया दोनों का बीच का अंतर 84 यहाँ ना लिखल था कॉपी में 2% हम लिख दिए उससे कोई दिक्कत हो गई नहीं नहीं हो गई बनते ही सही चलो वह देख रहे थे कि का कहाँ गलती बना दिए रे भा 0.24 समझा कि नहीं कॉपियों में 2% लिखे थे आ हिंया जो 7% लिखा गया चलो तो गलती थोड़ा ही तो सही है ना वह देख रहे थे कि कहाँ मिस्त्री ठप कर दिए आंसर में बचे नहीं कर रहा चलो देखो एक और क्वेश्चन देखिए लेते हैं अमरे मान लो मूलधन ने निकाले ला कह देगा ए प्रिंसिपल बता बड़ा प्रिंसिपल दे रहा था उसके से तू गायब रहता है बेचारा है मैं भी अब हर से गायब हूं अरे पहला साल 6% से जनता कुछ ना लिखल मतलब पर एनुअल है वार्षिक हां ये ना कि क्या सोचना कि ये क्या हो रहा है दूसरा साल के लिए मान लो रे कितना मानो रे हमारे 7% ठीक है ठीक है टाइम टू ईयर टाइम ये है
टू ईयर जनता ही है। दू गो क्वेश्चन खिचड़ी बनवा दिया था, यहाँ मूलधन न दिल है आ हुआ सी आई एस आई का अंतर न दिल है, जन नजर इन्ने उन्ने चला गया, इसलिए वो क्वेश्चन ऐसे गड़बड़ गया। चलो टाइम टू ईयर अमृत सी आई एस आई का अंतरे दे देगा, कौन बहादुर है जो इसको बना सकता है? जल्दी जल्दी कॉपी पर घीत तक, अरे सैया बोल ला मुहे से बोल ला कितना होते 50 पर 2 का 0, पहले तो सी आई एस आई का अंतर 50 पर 2 का 0, चल बना ले ले, वेरी गुड। देख लो 6×7/100 7×42 0.7 ना इतना परसेंट। चलिए बस निकालना है हमारा मूलधन, निकालना क्या है दोनों का अंतर की तुलना, दोनों के अंतर से यह से ना निकाले है 0.42 आ गुण है मूलधन निकाले के कैसे गुना करो कैसे रे 5000। चलो ये उड़ाएंगे दशमलव तो 100 और ऊपर जाएगा कि ना दशमलव दो बार में, ये दो बार में कटेगा, ये 5 बार 50 अब 50 हो गया, 100 से गुना 5×5 3 दहेजुआ 0 से गुना करा आया है। चलो बहुत बढ़िया, एगो प्रैक्टिस कर लिया, आप देखते हैं कि हाउ कैन आई फाइंड द डिफरेंस क्या रेट फर्स्ट ईयर एंड टू ईयर का, तो किस तरीका से हम कंपाउंड इंटरेस्ट जो इफेक्टिव कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे प्राप्त करेंगे जल्दी से जल्दी तेजी में बिना फॉर्मूला अप्लाई किए हुए, फॉर्मूला वह रहे लेकिन माथा में कैलकुलेशन करके वो प्रैक्टिस होने से ना होगा। चलिए कैसा लगा आज का? अच्छा। आज वो में ताऊ ये में ताऊ झमेला ना। बहुत अच्छा। इतना परसेंटेज में सब याद कर ले रहता है। ना कहता है किसी वस्तु के मूल्य में पहले 20% बढ़ा दिया, उसके बाद फिर 20% घटा दिया। तो हमें 20 square/100 करते थे। घटा आता था अलवे। आ 20% बढ़ा दे तब 30% और बढ़ा दे तो ऑलवेज लाभ होता था। कथी तब 20 + 30 + 20 × 30 = 100 नहीं करते थे, वही तो फॉर्मूला ही हो याद करना अभी नहीं। अरे वस्तु का मूल्य बढ़ा बढ़ा देती तो घाटा होता, कैसे फोन आ गया रे? फ्लाइट मोड में डालो मोबाइल, कहने है फोन आ गया, बताओ ना वीडियो ना रुकता है, हो ये रहा है ना। चलिए फोन तो आना ही नहीं चाहिए अभी किसी का। चलिए कहाँ है, कैसे निकलेगा तनी सने ऊपर चर्चा कर लेना था ना। देख लो रेट जो है पहला साल कहिया रहेगा, दूसरा साल कहिया रहेगा, तो टू एयर का जो बनेगा सी आई कैसा सी आई इफेक्टिव, ठीक है इफेक्टिव रेट से जो सी आई बनेगा देख लेते हैं कितना बनेगा। तो निशानी इन्हें लिखिए देते हैं फॉर्मूला ताकि डाउट ना रहे, मान लो एक्स प्रतिशत और वाई प्रतिशत दो को अलग अलग रेट दिल जाएगा, कथी दिल जाएगा विभिन्न सालों के लिए, पहला दूसरा साल में अलग अलग, देन इफेक्टिव रेट कथी ऑफ सी आर टू ईयर का कितना, जल्दी बोल x+y + 100 समझा कि नहीं होता है, आप वही पूछ देते हो कि ना सी आई एस आई का अंतर बता, लेकिन हमारा तो अभी एकर काम है सी आई निकालना है। चलो देख लो सी आई निकालना है, क्या निकालना है सी आई, चलिए टू ईयर का कैसे निकालेंगे जल्दी से जल्दी देखिए।
मान लो पहले वो पहला साल 1% का रेट और दूसरा साल 2% का रेट दे दे, तो बताओ जाहिर सी बात है कि हिया से जो हासिल उसे लाएगा इन्हें देना आए। तो चलिए देखिए कैसे निकालते हैं। इसका है इसमें मान भर गए, 1 जोड़ 2 जोड़ 1 × 2/100। बताओ ये 2 × 2 होगा, 2 × 2 आ बट्टा में 100 कर देते हो जाते 0.02 आई 3 तो 3 में 0.2 को जोड़ देते हासिल उसल कथी देते तो अपने दशमलव में रह गए बेचारा। ये 3 × 4 बना सकता है ना, अरे 1 कुछ आ जाती तब तो ये में जुड़ जाती तो 3 × 4 हो जाती है, 2 कुछ आ जाती है तो ये ऑलरेडी 2 × 1 3 रहती है, 3 × 2 जुड़ के क्या हो जाती है, इनमें मान लो 7 कुछ आ जाता है, इन्हें रहता 8 तो 8 में और तो 8 का मान चेंज कर देता कि नहीं कर देता, लेकिन ऑलरेडी 0.2 में है तो कथे एक बढ़ा पाएगा। तो देखिए बताए पहले गुना वाला भाग के हम सोचेंगे, दशमलव के 2 में रख, 2 के बाद जे आएगा वो हासिल के रूप में एकरा में जोड़ देंगे, ठीक है। 2 × 2 तो 2 × 2 लिखे तो 2 रहते कि ना रहते, हाँ अब बस 2 × 3 आ इन्हें पूरे मान लिखेंगे जितना हो जाए 200-500 है से कुछ। देखिए इतना 35 धक धक रहेंगे। अच्छा 2 साल वाला था तो इसे लिखे लिखे ना रे 2 4, अगर 3 साल वाला रहता तो 4 टर्म वो बताएंगे आएगा। तो मान लो 1% पहला साल के लिए दूसरा साल के लिए 5% रेट दे दे तो कंपाउंड इफेक्टिव रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे फाइंड करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, 5 × 5 = 5 0.5 2 में लिखना है 1 में नहीं लिखना। अब बताओ 5 × 6 रे भाई x + y तो 1 और 5 की जोड़ भी तो 6 होते कि ना, आई तो गुना कर लिए तो 0.5 भेट ले, बट्टा में 100 से भाग देवे तो 2 तक लिखता है कि ना, बस जोड़ना तो है। 2% 3% दे देगा तब कहेगा बताओ कंपाउंड इंटरेस्ट के बेटा, कुछ नहीं करेंगे 3 × 2 समझ में आ रहा है 2 तक क्यों लिख रहा है, दशमलव के बाद 3 × 2 देख लीजिए। पहले एकरा जोड़ नहीं लेना, कहूं 0 से मान लो 1 कुछ है तो 5 में 1 और जुट के 6 ना हो जाता रे भाई, एला हाली से का पहले 2-3 जोड़ के नहीं लिखना, पहले उल्टा आना है इनसे, ये लिखेगा तो जल्दी सही दिखाएगा। चलो जोड़ जोड़ा है दशमलव के चाहे सिंपल जोड़ घटाओ, गुरु जी नहीं कहते थे कि बायां हाथ तरफ से शुरू करके आइए, वैसा ही हम बायां तरफ से शुरू करके आइए, समझा, ऐसा ही को जोड़ के लिख देते 3 × 2 = 5 और 3 × 2 = 6 0.6 तो गलती ना होती, लेकिन कहूं 1 से बड़ा माने देती तो बढ़ा देती, 1 या 1 से बड़ा माने तो 6 कर देती 7 कर देती, समझ ले कि ना, तो अपने 5 लिखल हमारा गलती हुई। अब मान ले जैसे कि 12% है, अब ये 5% हमारा दे दे, ठीक, पहला साल 12% से दूसरा साल का रेट 5% से देन कैसे, तो देखो 12 × 5 = 60 अभी तो ये 2 में ही अपने तो इनमें कहाँ बढ़ते, चलिए अब 12 × 5 = 17 ये 60 हुआ था जरूर, 12 × 5 = 60 हुआ था जरूर, लेकिन बट्टा में कहे रे भाई बात तो 2 बात है तो 1 से छोटे ना जितने 0.60 आ कोई 0 के वैल्यू होय छै तो कभी कभी इहो लेके चल देगा तो कोई दिक्कत नहीं है, 17.60 तो तुम अगर 17.6 लेके चलेगा तो कोई दिक्कत, हाँ ये 0 रहती है 1 आ जाती चाहे 2 चाहे 3 चाहे 4 तखने 0 के वैल्यू हो जाती बती कि ना, लेकिन ये में तो 2 तक कंथी करना ही है तो कहाँ से तीसरा अंक होते, तो 0 आ जाए तो 0 के वैल्यू ना आए तो 17.60 से भी तुलना करागे तो वह बात होते
फिर तो उड़ के दशमलव एने उन्ने जतै तो कटिए ना जतै बेचारा एला छोड़िए देवे में भलाई कौन है पानी के बदल यार बहुत गर्मी भर लेना भरो पानी काय में तब तक कहता दो क्वेश्चन आय तोरा भेज दे के अब एगो के निकाले हैं ना तमाशा करेगा क्लास में नहीं चार दशमलव पढ़ाई पचना रहा है बड़जोरी पचा रहा है मेरे सामने भाई मजाक कर इस क्लास तीन दशमलव अब मान लो 4% से दिमाग आउट करके चल जाता है लेकर लगे छो आज के क्लास कैंसिल मार देगा ना चलिए 4% और 3% अलग अलग रेट दे ले 4 × 3 = 12 जाहिर सी बात है कि इन्हें ना पता है अचार तीन बार बार ऐसे कर काम बताओ तब घिटते चलो 3% और 5% 5 × 3 = 15 वेरी गुड परसेंटेज लिखे के भूल जाए छत यो तो लगा ली है सब में कथी कंपाउंड इंटरेस्ट परसेंटेज है ना रे बाबू ठीक है इतना तक सब समझ गए होगा अब तू सब बोली है बहुत बोली होगा ठीक है पानी पी लीजिए भर दिया जल्दी बोल आने की लिखो समझा कि नहीं 12% आ 8% जल्दी बोल 12 × 12 = 20 कोई दिक्कत 20.9 कहला जाते ये पढ़ ली झूठो के तेरे पहाड़ा जकरा याद नहीं तो भैया होता लिख के बना तो ये इतने ना तिजोरे पर जल्दी बोल आय अमरी बोली है तेरा दहिया 130 सुन ले 130 आ गलो रे भाई बा आय आ बट्टा में 100 रहल होते ते दुइया अंक बाद रे त सबने मारते हां दहिया त समला 30 आ एक त कहले ना हो गलाय आ 13 आ 10 23 13 10 23 आ एक ही जोड़ देबे तो 24 समझा 24 10 आ तनी सानी फार्मूला पर एगो देख लेते हैं x जोड़ y जोड़ xy बटा 100 बता रे बउआ यो जते 13 जोड़ 10 जोड़ 13 गुने 10 बटा 100 समझा कि नहीं ये 13 × 10 ही तो 23 हो जाती है आई हो जाती 130 × 100 बता ये हो जाती है 23 + 1.30 बता 23 में एक जुट के 24.30 आती है कि ना आती है बता जल्दी हाँ आ जीरो का वैल्यू ना हो चाहे अगर कोई 24.3 लिख दे तो कोई दिक्कत लेकिन सही आदत पहले ही लिखना है तो लिखना है बाद में जीरो मानते तो ना लिखते तुलना करावे घड़िया तो फिर हम एक नीचे ही लिख देते तुलना करावे भैया छोड़ देते समझा सही आदत जो होता है यही लिखना है पूरा ओवर स्मार्ट मन में सब दिन आदत रहो तो 2 अंक तक स्पीड हो जाए तो स्लो स्पीड हो जाए तो स्लो जब 2 अंक तक हमको चाहिए तो चाहिए देखो 3 अंक में आया तो एक ने जुट गया कि ना होना चाहिए 2 अंक जरा प्रत्यक्ष लेकिन जुट गया जितना 2 अंक के बाद आता है ना सब एहे में जोड़ देबे यहां से समझा कि नहीं ये तो 2 अंक के जोड़ से 23 होती है लेकिन 24 कैसे बना देखा कि नहीं देखा ए प्रतिशत हां परसेंटेज बगवा लिखिए
अब चलो अगला। अब मान लो 11% 11% दे दे तो क्या कीजिएगा बताइए जल्दी। 11 के गुणा करबे तो 100 कैसे आइए तो हमरा तो लिखना है 21 ना खाली एक हाथ में दुई अंक तक लिखना अंतिम से 11 11 22 23 इतना समझा। 9% आ 12% 12 नामा कहीं 0 8 है एक हाथ में आ 12 9 को कोई दिक्कत है कुछ कहना है देखो मुंह पर निकल रहा है कि ना। 12% एक दे देगा 15% ई ना कि जोड़ के पहले लिखम ना दोनों के गुना करबे तो बता 15 तो 150 15 2 3 ई दोनों के आपस में गुना करबे तो 180 है तो लिखबे दुई अंक तक 80 आई तो हासिल में ना चल जाते रे भाई। 12 15 के जोड़बे तो 27 12 15 के जोड़बे तो 27 एक और जोड़ दे तो 28 देखो समझा कि नहीं। हां इस तरीका से आ न तब 12 15 के यहाँ भी रख देते 12 जोड़ 15 जोड़ 12 दूने 15 फिर तो यह नती समझा कि नहीं। तो मुंह पर भी निकलता है जैसे जैसे बनाइएगा तैसे तैसे स्पीड चेंज होगी। आ मान लो 2% में एक बार देती है रेट तो यहाँ भी 2 रखती है या यहाँ भी 2 रखती है आने वाला समय बताएंगे को एग्जांपल पर देख ले फिर अभी तक मुंह पर नहीं क्वेश्चन ए पर सेट करके बताया है अब देखिए कैसे तुरंत हो जाएगा कहे थे ना कि देखते क्वेश्चन बन जाएगा ये अभी और कहानी बाकी है। अरे 15 17 में ठट से ना एगो क्वेश्चन के बनाए थे तभी तो अभी 4 5 में ठट हमारा लग रहा है पहुंचा है पहुंचा कहानी पिक्चर अभी पूरा बाकी है अभी तो टेलर्स जब चल जाएगा ना तब जो जो मेथड से बनाया है सब देखाएंगे कहेंगे अंतिम में 2 मेथड से बनाया एक मेन मेथड से एगो परसेंटेज मेथड से तो तुरंत मुंह पर कैसे बनेगा आ काटना कुटना तो भैया कलम को भी चाहिए ना मुंह पर सेट कर लीजिएगा आ काटना कुटना अगर कंप्यूटर वाला दिमाग इतना हो जाता तो आप लोग जो है इस साल के टॉपर ना बन जाते ब्रेन ऑफ कंप्यूटर नहीं बन जाते भाग लेते टॉप मारते दुनिया में उतना भी है ना एवरेज ना हम लोग स्पीड कैसे बढ़ेगा तो बार बार प्रैक्टिस जितना बनाइएगा अब जैसे देख लो क्वेश्चन देखिए मूलधन अमरीन निकालना रहेगा रेट दे देगा 3% रेट दे देगा रे भाई 3% टाइम दे देगा 2 ईयर आ कंपाउंड इंटरेस्ट हमरी दे दे तू 182.70 रुपया ठीक हो बता मूलधन निकाले के आय रेट दे ले 3% से 2 साल ला मतलब पहला साल भी 3% और दूसरा साल भी 3% समझा एक्के बार रेट दे तो पहला साल भी 3% की रेट से ब्याज लिया होगा और दूसरा साल भी 3% लेकिन इफेक्टिव रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 2 ईयर्स कैसे निकालेंगे तो एक्स जोड़ वाई जोड़ एक्स गुने वाई बटा 100 यहाँ पहला साल के लिए भी रेट 3 और दूसरा साल के लिए भी 3 है तो हो जाएगा 3 × 3 / 100 6.009 जोड़ देवे तो 6.09 ये कथी निकल के कंपाउंड इंटरेस्ट इफेक्टिव रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 2 ईयर्स बता मूलधन निकालना है रे भाई मिश्रधन की तुलना मिश्रधन से मिश्रधन नहीं है कंपाउंड इंटरेस्ट की तुलना कंपाउंड इंटरेस्ट से गुने मूलधन निकालना है कैसे ठोक दो अब तेज हुआ लग रहा है देखो एकरा उड़ाएंगे तो ऊपर 100 जाएगा आ इसके उड़ाएंगे तो बस्ता में 100 आएगा बउआ रे 100 से 100 क्या होगा
कट जाएगा। बताइए तो ऐसे कई बार में करते जीनियस, कुछ आइडिया है? हमरो आइडिया ना लग रहा कटेगा तीन बार में, ध्यान से नहीं देखता, तीस बार में चल बस आ। अरे नौ तिया सताइस, दो हो गया, छत्री अठारह नहीं कटा, एक जीरो इन्ने बचल, आप तीस को सौ से गुना करा। अरे तो कटता नहीं, पूछे थे तो तुसे बोला नहीं कटेगा, इतना रुपया ठीक है। अब हमरे पर छले भाई तुसे। हाँ, अभी देख के बोलते हैं हम लोगों को उल्लू समझती हूँ उल्लू। चलिए, ये कहने के बात है। देखो। असली में समझते हैं। चलो बउआ रे, अब जरा देखा है। ये जो कलाई, एक बात और देख, जब दोनों सेमे हो जाए, जब दोनों तब तीन और तीन है, ये बात के हम दो गुने तीन लिख दे तो गलती हो जाती है। नहीं नहीं, एक के बराबर से दो जैसा जुटल है, जो तीन गुने तीन है, तीन के स्क्वायर बट्टा हम लिख दे तो गलती हो जाती है। नहीं, एक बात और, अब तीन तीन के जगह हम एक समान ले ले, यहो एक तो यहो एक्स, तो जाहिर सी बात है यहो एक्स गुने एक्स होते बट्टा सौ, तो एक से एक हम एक टू एक्स लिख सकली है, इतना का मान टू एक, आ इतना का मान एक से स्क्वायर बटा सौ, आ जोड़ ले भाई तो टू एक्स जोड़ एक से स्क्वायर बटा हंड्रेड होती कि ना। सुन ले फिर से, अभी अभी टू ईयर का हमने इफेक्टिव रेट अब अलग अलग रहती, तो एक्स जोड़ वाई जोड़ एक्स एक्स गुने वाई बट्टा प्रतिशत बट्टा सौ प्रतिशत बट्टा सौ प्रतिशत। अब मान ले दोनों साल एक के जैसन हो जाए, तो पहला साल भी एक से दूसरा साल भी एक, पहला गुने दूसरा बट्टा सौ। बता रहे भाई ये अलग अलग है तो अलग अलग छोड़ दिलिया, एक जैसन हो जाती तो टू एक्स लिख सकली हो, एकरा एक से स्क्वायर बाहर में लिख सकली। जब एक समान रहे ना तो यह बात के कितना जगह फॉर्मूला लिखा लेता है टू एक्स जोड़ एक्स स्क्वायर में, तो ये याद रखना। जब रेट एक के जैसे ना देखा है तीन दू ना तीन के स्क्वायर भाई रे छ दशमलव जीरो नौ वाले कि ना, कैलकुलेशन से तनका बच जाइएगा, ये याद रखिए समझा। यह समान में से नहीं आया, ये एक के जैसे दू गो जुटे छी तो दू से गुना है छी कि ना। अरे पांच जोर पांच कति होले, पांच गुने दू होले, एक्स जोर एक्स तो एक्स गुने दू ना। आप देख आई दू गो आपस में एक के जैसे गुना है छी तो स्क्वायर ना हो जाए छी, फॉर्मूला वही है ऐसे लिखा लिया। चल ये बनाए ना तो एहे पर बैठा के हम निकाल लेंगे, कोई फोर्स नहीं, धीरे धीरे इसका आदत अपने आप हो जाएगा। तुम लोग के ब्लड में है दू को एक जैसा दिखेगा तो अपने आप दू से तू गुना करेगा, अगर बीस दा जोड़ल तुमको दिखेगा तो बीस से अपने तू एगो में गुना करेगा। पढ़ते पढ़ते मैथ पढ़ते पढ़ते तो ब्लड में डाल गया दम, ब्लड भी गिरेगा तो मैथ है जानिए कि गिरेगा, ऐसा हाल हो गया। मैथ ना बनने का सवाल नहीं है, जितना पढ़ लिया वह से कम चोरवा कम कोढ़िया से नहीं बनेगा, जो खूब लगातार जा के नहीं बनाता है प्रैक्टिस छोड़ देता है, और न तो सवाल पैदा ना होता है कि नवोदय वाला थोड़ा समय न बने, और फिर भी नहीं बने सब कुछ करते हैं तो कहीं ना कहीं हमने गलती है ना। सोच एगो अचंभित लड़का तू ना बनेगा पूरा क्लास बना रहा, तो हमारे गलती हमारे गलती, एक मतलब तू टाइम से दवाई खुराक ना ले ले, बाकी सब टाइम से खले दवाई। चलिए क्वेश्चन हो गया, अभी बता दिए थे रे। चलिए अब वैसे तनी सानी हम लोग देख लेते हैं, जे मैं रेट ना दोनों साल के लिए सेमे काम करेगा, मान ले ग्यारह प्रतिशत, हाँ क्या डॉट डॉट होता है सीधे ग्यारह प्रतिशत कुछ भी लिखवा देता है सब। चलिए फाइनल रेट ऑफ सी है,
फाइनल रेट ऑफ सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट। सुन ले का है यार, टू ईयर के लिए, का ईयर के लिए, सब लोग बचपने से जानते हैं इफेक्टिव रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर टू ईयर एक्स प्लस वाई 100% है कि ना। आ एक के जैसा न जाती तो एक्स जोर एक्स जोर एक्स गुने एक्स बट्टा सब और कथी तो सुन ले ये हो जाता है टू एक्स रे आपस में दूधा जोर वही तो टू एक्स ना होता है जो एक्स स्क्वायर बाय सौ। कोई दिक्कत कोई दिक्कत आ ना ताई एक गुने एक तो एक के आ ये होते एक दा जोर वही तो दू ना हो जाता है आए आ ना तो ए पर बैठा तब एन से चलबे के एन से होय उल्टा साइड से आ याद रखो एन दो अंक में होना ही चाहिए। हां बता रे भाई एक के स्क्वायर करबे तो एक होते एक बटा सौ करबो ही तो कितना होते वो जीरो दे सब लोग समझा कि नहीं समझा। तो ये लास्ट के जो दो अंक है ना यहीं लिखना ही होगा ये बात याद रख। अब बस यहाँ दुई का है दू और जीरो तो कुछ होता है लेकिन दिले हासिल से कुछ नहीं ना था। चलिए अब यह दू के स्क्वायर चार तो जीरो चार लिख दो और दू दू से गुना करा दू में तो दू दू ना चार बता। हाँ भाई रे प्रतिशत लिखे के ना भूलिए का पाल रहे थे इफेक्टिव रेट है अबे जोर ना हां जोर ना गुना नहीं कराएंगे। अच्छा जोड़ लो दो में दो जोड़ तक होते देख तीन गुना तीन नौ तीन तीन जोड़े तो छ मैं कहता हूँ तीन के स्क्वायर नौ तीन आ दूना कर आपस में तीन तीन जोड़े के है तो तीन के दो बार गुना न कर गुना कर लिया ऐसा ही सोच लेते चार गुना चार तो सोलह आ चार आ चार जोड़ियो लेती तो इतना होता जैसे अभी तने देर पहले जोड़े थे या स्क्वायर कर चार के स्क्वायर तो सोलह भाई बार दो अंक में लिखी है तो लिखी है कैसे यार दो अंक में लिख ली नौ पूरा इतना तो जीरो लगा के दो अंक बना ली समझा कि नहीं। हाँ लेकिन बना ली आ एन्ने ना जीरो लगा दिया जाए ना सर तो दस हो जाते एक के स्क्वायर एक हो जाए तो इनमें जीरो लगा दो दो अंक बना तो दस हो जाते दस ही ना होगा एक जीरो होगा तो वो एक दसवा भाग पर ला देते हैं इस सौवा भाग एक के सौ खंड कह के कह चु तोरा इतने को भाग ला आ तू दस खंड कह के लेबे मिठाई कम सौवा टुकड़ा तुमसे मांगेंगे तो दसवा टुकड़ा हमरा भरी लेके नहीं नहीं बताए थे सिंपल लैंग्वेज में समझना है वो तो पढ़ल जते ये लेकिन भाग कोई बड़का को रड के दस टुकड़ा कह के एगो टुकड़ा लेके आएगा आ सब टुकड़ा कह के वह रड के लेके आएगा दोनों में अंतर ना है रे समझ में आया। चलिए दूसरा मुद्दा पर ले जाता है बताओ पांच के स्क्वायर पच्चीस अभी दुनिया अंक में अपन सीमा में अवकाश से बाहर में न लिया तो ठीक लिखा जैसे आ पांच दुना आ चाहे पांच गुना पांच तो पच्चीस होती है पांच गुना पांच पच्चीस होती है आ पांच पांच जोड़ लेबे तो दस ना होती तो दो बार एक गो चीज के एक जैसे जोड़ना है तो दो से गुना करा देवे तो गलती कोई गलती नहीं है ना फार्मूला कहल के एक जैसा ना है तो टू एक्स जोड़ एक्स स्क्वायर बारह एक बबुआ सुन ले। चलिए छ हो बोल छ के स्क्वायर अभी अपने रेंज में ही पार न कर लिया आ छ दुना समझा कि नहीं ग्यारह के स्क्वायर इक्कीस एक सौ इक्कीस होता है लेकिन दशमलव यहाँ पड़ते तो एक बाहर आते कि ना रे कहीं इक्कीस लिखब दशमलव आ बस ग्यारह दुना ग्यारह ग्यारह जोड़े तो बाईस आ एक ही जोड़ लेबे समझा कि नहीं।
कोई कहे एक के जैसा रेट रहे तो कौन फार्मूला से कट टू एक्स जोड़ एक्स स्क्वायर रहे कैसा लोग लिए दो साल के लिए तीन साल के रहता तो वहाँ देखो अब तीन साल का रहता तो तीन साल के निकाले ला पहले दो साल के ही निकालते हैं तो इतना आता है कि नहीं आ जोड़ ये अगला साल के लिए ग्यारह पढ़ते साल भर चलता है कि नहीं फिर ये दोनों के बीच इफेक्टिव रेट निकाल लेते किस पे बैठा के समझा कि नहीं तो ये से बचने के लिए तीन सालों के लिए जब रेट एक के जैसा रहे जब रेट एक के बड़ा है हर साल के लिए काम करे तो उसका भी हो जाता है क्या थ्री आर प्लस थ्री आर स्क्वायर बटा हंड्रेड जोर आर क्यू बटा एक दो तीन कैसे बना है टू आर जोर आर स्क्वायर बटा हंड्रेड ना बन ले एक थोड़ा रेट ना दे लेता रेट थोड़ा नहीं लिख देते हैं उसके बदला x के जगह r लिख में नहीं बनती है ना 2r जोड़ r स्क्वायर बाय 100 इफेक्टिव रेट ऑफ कंपाउंडिंग है लेकिन 3 साल का रहता तो 2r नहीं 3r जोड़ r स्क्वायर नहीं 3r स्क्वायर बाय 100 और जोड़ एक और बढ़ जाता r क्यूब बटा 100 गुना 100 तो 4 गुना 0 आती है ना तो बताएंगे और ना ये फार्मूला भी कैसे में बिना फार्मूला प्रयोग के लिए ऐसे बनाते थे कि नहीं तो वो तीन गो वाला कैसे बनाते तो पहले दो गो वाला के लिए इतना मान होता है ना लिख देते निकाल के आज जोड़े जोड़े एक डाओ अब तीसरा बार बन गया तो बस ये दो साल के लिए एक साल ही मिला के तो अब ये दोनों के बीच इफेक्टिव निकल निकाल लेते तो ये क्या हो जाता तीन सालों को इसका मान प्राप्त उतने तो आगे सीधे करके बताएंगे अभी दो साल वाला समझ में आया कि नहीं बताओ हाँ बाकी बाद क्वेश्चन आने के बाद चलेगी तीन साल वाला आला ही ना बस पहले भविष्य के बारे में जाने आप चाहिएगा कुछ भगवान करेंगे हाँ। उसके बारे में सोचना गलत बात नहीं है पढ़ो के लीला है चलिए हाँ आप लोग कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट समझ रहे हैं ना अच्छा से सीख गए हैं चारों क्लास करते हैं ना सीखते हैं लेकिन रे भाई बात नहीं क्वेश्चन घुमा देते तो तुम फॉर्मूला देखे कैसे चिट पड़ते देख लेता हूँ मान ले मूलधन दे देता हूँ 5000 5000 रेट तो ठीक ठाक हो 8% लेकिन टाइम दो साल ना एक ए यो छह महीना मजे आ गए अब डायरेक्ट फॉर्मूला लगवाए एक से देखा है कैसे बदलेंगे केकरा बदलेंगे बता तो महीना ही बदलेंगे एक साल बदलेंगे उसको पहले उसके महीना को साल में दो साल में सीआईएसआई के अंतर तुमसे पूछ दिया बताओ रे भाई जल्दी बोल जानता है इफेक्टिव रेट ऑफ टू साल के क्या होगा इफेक्टिव रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट टू के क्या था टू ईयर का एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100% समझा कि नहीं अच्छा बात है सुन लो ये बताओ एक साल छह महीना के निकलना आ दो गो रेट लेना तो बताओ ये पूरा पूरा साल के लेना है कि नहीं रेट तो अगर पूरा साल के का होते तो वार्षिक होते कि ना पर एनुअल होते कि ना होते तो पर एनुअल है तो एक गो मंथ एक साल तो आठ के आठे रह जाता है आ दूसरा साल एक साल ना छह महीना के लेवे के तो ये कितना होता है छह महीना के लेल रेट चार नहीं बताए थे 12 से भाग दो मंथ है तो मंथ से ना तुलना डे रहता तो डे से गुना 365 चक्रा के नहीं निकलना सिखाते हाँ। कुछ नहीं बदला है बस ये साल पूरा पूरा के लेल तो पूरा पूरा आठ था ता चलिए हम छह महीना के चले रेट तो छह महीना के लिए आठ थोड़ा रहेगा चार हो जाएगा यही तो है आठ चार बारह जो आठ चौदह बस बोलू तो कितना रे
समझा? अब बस मूलधन निकालना है, मूलधन निकालना है, सी आई एस आई के बीच में अंतर निकालना है। आई हम इफेक्टिव रेट निकाल दिए, आए सी आई एस आई के बीच का अंतर क्या होता है? एक्स वाई बटा सौ होता है कि नहीं होता है? जल्दी बोल, एक्स कितना लू? आठ, और वाई कितना लू? चार, बट्टा में सौ कर दे, आठ सौ का हाँ जीरो दशमलव तीन दू का थे। ठीक है, बहुत बढ़िया। जल्दी सी आई एस आई के निकालो, मूलधन की तुलना मूलधन से गुणे, दोनों का अंतर उड़ाएगा तो पाँच दूना दस पड़ते पंद्रह सोलह बट्टा सोलह अगले। ठीक है ना रे, सोलह दशमलव जीरो रुपया लिख दो। सोलह रुपया लिख दिया तो गलती है? अरे दस से भाग देवे तो दशमलव भी तो मार सकते थे ना, सोलह दशमलव जीरो ना लिख सकते, काट देने जीरो से जीरो तो सोलह ना होते, जीरो तो भाई दशमलव के बाद अकेले रहे पर। जल्दी कॉपी निकाल दे, तू साहब क्वेश्चन जल्दी सॉल्व कर। अरे ये जो हम निकाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला रहता है तो मूलधन कितना मूलधन से गुने कंपाउंड इंटरेस्ट। बड़का क्वेश्चन आएगा, बहुत भारी क्वेश्चन आएगा। कितना किलो होगा? देखो दूसरे से बन गया था। ठीक है, देखो क्वेश्चन, मूलधन 8000 रुपया, रेट 5%, टाइम एक एयर 72 डे, बनाइए देन सी आई हमारी पुस्तक। चल बहुत पुतलो दोनों के बीच चल। चलिए तो बताइए, इफेक्टिव निकालना है भैया, सीआई कितना? 5% है, एकर मतलब जाहिर है कि हर साल के लिए 5% की तरह काम करेगा। तो पहला साल तो फॉर्मूला पहले होई छी कथि? 484 रुपया। ठीक है, बहुत बढ़िया। बताओ पहला साल के लिए तो ठीक है, पूरा पूरा पाँच जोड़ वाई के लिए बता 73 दिन का ना निकाले के है, तो फॉर एनुअल है, 73 डे में कितना हो जाते? देखिए एक साल में 365 दिन, हाँ गुण निकाले के 73 दिन के, पाँच से पाँच कट गए होते कितना, समझा कि नहीं? बस एक साल पाँच के पाँच रह दे भैया, 73 दिन के लिए रेट कितना हो जाते? एक एक पाँच गुने एक बट्टा सौ, बताइए तो हो जाते 6 + 0.05 मतलब 6.05, पाँच एक पाँच सौ से भाग देते इतना ना जोड़ दलिए। अब हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, मूलधन की तुलना मूलधन से गुने 6.05। बौगा रे सुन ले, परसेंट ना लगाए, जानता है कंपाउंड इंटरेस्ट एक साल 73 दिन के 6.05 है ना, कोई पुत मूलधन तो 100, तो कोई पुत जरा मिश्रधन बता दे रे भाई, तो 100+ जोड़ देवे तो मिश्रधन ना हो जाता, मूलधन प्लस ब्याज तो कोई मिश्रधन पूछ दे तो घबराए के जरूरी रे, यह परसेंटेज है तो बट्टा में 100, तो 100 में ब्याज जोड़ देवी तो मिश्रधन आती है कि ना आती है? तो यहाँ गुणा कर देती जोड़ के 106.05 से जोड़ती है सर,
समझ रहा है? हमसे पूछा कंपाउंड इंटरेस्ट दूसरा लोग का तो इतना से गुना, हमसे पूछा ना अमाउंट बताओ, मिश्रधन बताओ तो 100 प्लस जोड़ने, हमसे पूछा मूलधन बताओ तो मूलधन से गुना करा, निश्चित राशि जो दे लेगा उसका तुलना उससे गुने, जो निकलना रहेगा उससे गुना। ब्याज आवे का मतलब ना वो सब ब्याज नहीं समझ रहा है, इफेक्टिव रेट आया है ब्याज का, मतलब 100 रुपया रहते ना तो ब्याज इतना समझा, 100 रुपया मूलधन रहता है कर्जा लेती तो ब्याज एक साल 73 दिन की इतना पन जो हिसाब से तू निकालना, जैसे जैसे हमने पिछला क्लास में सिखाया है उसी का प्रयोग किया है, आप कोई न देख ले होगा तो उतना डिटेल करने का टाइम नहीं है, तुम लोग को समझ में आया कि नहीं? पिछला वीडियो देखिएगा आपको ना पता चल जाएगा ऐसा क्यों करते हैं। अच्छा काट भी दे, वो जो बोला वो आंसर ठीक बोला है, दो सुना से दो सुना यूराएंगे तो बट्टा में तो 100, एक सुना से एक सुना गुना कर 8 5 40 अच्छा अब बट्टा में 10 बचले ना, चल बचेगा 484 ठीक है बोला है आंसर, वहीं काम दे वहीं काम 484.0 बोल देगा तो गलती है, वहीं काट लो जीरो ना काट कुट करते है कितनी सुंदर लगता है उड़ावे मंत्री, कहूँ डाटा आ जाती तो दशमलव बैठावे में कितना मन लगे छे कम पहले काट के माथा पर भार ले नहीं तो ध्यान रहते आ बताओ आ कमाई कहीं आप पूरे नहीं काटिए तो रे भाई बाप मीटर फंसाएगे कि फिर 3-0 तो लिखाई के पड़ते, जे सीधा सीधा उड़ जा रहा है उसको उड़ा दो, ओकरा ला ज्यादा जटिल नहीं बना ठीक है, काटे लगे कहूँ पूरा न कट लाई 10 रह गए 2-5 बट्टा में बच गए तो फिर से 2 से भाग देवे के पड़े दशमलव बदले ला वह ला छोड़ दे ले लास्ट में कटे कर लाई तो कट गए न कटती तो एक बार दशमलव न बैठा दे, क्वेश्चन पूछे वाला निर्दय थोड़ा होता आप लोग होते हैं, झूठो के काट कूट करके झमेला फंसा ले तो केकर गलती, आ शुरू में काट कुट ज्यादा नहीं करना है, जे काट कुट करना है जो अंतिम में सुरगा सम सिखा रहे देखा, फिर अंतिम में मैटर फंसाया तो फिर काटे ना तो उड़ेले चल जाए, शुरू में बात से समझाना है कि बउआ कैसे समझा रहे थे बउआ मान जाइए हम नहीं समझा छोटा छोटा, एक आध क्वेश्चन हम कॉपी में क्यों लिखवा दे रहे हैं ताकि कॉन्सेप्ट बात दिमाग में भी रहे, इसका शब्द जरूरी और इसलिए क्वेश्चन लिखवा रहे हैं, चलो अभी जो बनाए थे उसका आंसर आ गया है ना, चलो आप देखो तनी सानी टॉपिक समझो, हमने बोला था ना कि 3 साल के रेट दे देगा तो कैसे इफेक्टिव रेट एक्स प्लस वाई पर निकालिएगा, चलिए देख लीजिए मान लो 1% दे दे 2% दे दे और 3% दे दे फर्स्ट सेकेंड थर्ड रेट दे दे तो घबराने की जरूरी नहीं, पहले ना ये दोनों का इफेक्टिव रेट निकालिए कितना होगा तो बताओ, मुंह पर निकालना सिखाए हैं 2 इकाई 2 अंकों तक लिखेगा कि ना रे भाई, अब बोलो 2 3 हासिल से तो कुछ नहीं तो इफेक्टिव रेट हो गए कि ना हो गए, अब ये दोनों के मिला कितना होला है तो बेचारा उदास बच्चल था कि ना अकेले मुंह खुलैले था कि ना कि हमारा छोड़ के चला गया है आए, आ ई दोनों का इफेक्टिव रेट निकाले थे तो मुस्कुरा रहा है क्या है हमार तो निकाल दिया, तो ई दोनों के मिला के इफेक्टिव रेट इतना है ना ये बचल था, अब फिर जे दोनों के मिला के आ फिर ई दोनों का निकाल लो इफेक्टिव रेट तो ये भी मुस्कुराने लगेगा, चलिए हमारा भी इफेक्टिव रेट निकल गया तो बताओ ई दोनों का आपस में गुना कराएंगे कि नहीं कराएंगे, तो आप दशमलव तक इधर चलो तो इसका लिख ही लेते हैं कैसे निकालते हैं, x y 100 ज्यादा जटिल लगे ना तो हाल ही सिक्का लिखिए लेना भला ही गलती उलती होगी क्योंकि अब दू ये 0 तो है तो जोड़े जोड़े ये भी काम क्रियाक्रम खराब कर रहा है, देखो तो एगो मान ई या एगो मान ई तो बताओ x का मान मान लो ई है 3.02 जोड़ y का मान कती है 3 जोर फिर एक्स का मान कती है 3.02 गुने वाई का मान कती है 3 अब बट्टा में 100 है तो
हाँ इतना प्रतिशत लिख दिलिये। आप चलो अब इसको हल कर लो, कहीं जोड़ लेवे तो हो जाते 6.02 जोड़ अब गुना है रे भाई बा एक उड़े तो हो जाते 302 × 3/100 आई दशमलव उड़े भाई तो 11 भेज दिले रहती कि ना। हाँ 6.02 प्लस ये गुना करा ले तो 6.09 में कै सुनना 4 0 हाँ 4 0 बताओ भाई 6.02 प्लस आई 4 × 0.05 बैठत या तीनों को है रे भाई तो 0.96 लिखब तब ना जाके 4 × 0.05 बैठत एक अपना में से 0 बैठा देवे तो 906 × 906 रहेगा आ 4 × 0.05 बैठब कि ना बैठा। अब जोड़ ले तो ये आपस में जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा 6.05 इनमें से जोड़ो 6 0 आई देखो सौवा भाग को सौवा भाग के जोड़ो जोड़ेंगे कि नहीं 9 2 11 हाथ में 1 0 0 जोड़ोगे तो 0 1 उसके बाद दशमलव 6.110 इस तरीका से 3 एयर का गुणनफल समझ में आया कि नहीं। 15 सनी आओ रे भाई सुन ले तो ये अलग अलग दे दिले तब ना हम कहे लोग हम यहाँ कहते हैं निकला कैसे समझ में आया कि नहीं। पहले दो का निकाल लो केनहो साइड से आ फिर बचल का एगो है ओकरा जे आइले फाइनल उससे निकाल लो एक राउंड आओ ऐसा ही है जोड़ के चलो मान ले हर बार कह देता 2% 2% 2% फर्स्ट सेकंड थर्ड समझा कि नहीं रे। रेट इस तरीका से पहला साल दूसरा साल तीसरा साल अलग अलग रेट दे देता अलग अलग सालों के लिए तब पता इफेक्टिव रेट बताओ तो पहले ही 2 बजे से निकाल ये 2 बजे से निकालो तो इफेक्टिव रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट कितना निकलता 2 × 4 आ 2 × 2 यते कि ना जोड़ के आप बता कैसे तो एक्स प्लस वाई जोड़ एक्स वाई बटा हर या एक के जैसा नहीं था 2x जोड़ x स्क्वायर y समझा कि नहीं स्क्वायर 4 और 2 × 2 अब आयल में से फिर ही बचल है वो से इफेक्टिव रेट निकाल भैया हां मैं आयल में ना कैसे निकल रहा है वो हिल रहा है ऐसे लाइट लाइट की कमी की वजह से अब ठीक हो जाएगा नहीं यार अब ठीक है ना चलो ठीक है देखो बउआ आए कथी लिख दिए हाँ चलिए आप बताओ तो फार्मूला होता है एक्स जोड़ अभी आ रहा है बेंच नहीं रहा है पानी ला रहे पानी ला गर्मी बहुत चल भर के रख पता होता तो भर के तो नहीं रखता है। हाँ अभी हो रहा है लारे चलिए लाइट के कमी से था उसको दिख नहीं ना रहा था तो वो अपने आप को एडजस्ट कर रहा है चलिए अब हो गया ये ला लिख लिख तनी जोड़े गुना होने में गड़बड़ा जाए तू तब एक्स के मान 4.04 जोड़ वाई के मान 2 जोड़ एक्स के मान 4.04 गुने बट्टा में भाई रिक्स नहीं ना लेना चाहिए चलिए वह बात है देख लो तो ये जोड़ देगा तो 6.04 जोड़ वो गुना कराएगा तो है 808 आई ये उड़ैले रह बाहर भाई बा तो बट्टा में 100 और भेज ले रहते कि ना दो अंक बाद तो ये दोनों का गुना 808 आ बट्टा में कैसे सुनना चल सुनो वहाँ 6.04 जोर आई बता तीन अंक है एक सुनना बैठा देवे तो कोई फर्क ना पड़ता है
पहले सिंपल डाटा में बाद में बैठे तो बहुत फर्क पड़ता है, याद है ना? याद कर वहे दिनवा के बाद भिन्न उन में चले जी। चलिए संख्यापत्ति में चला दशमलव भिन्न सब जगह तो चल देखिए। चार अंक बाद दशमलव बैठा था, जीरो दशमलव जीरो आठ जीरो आठ। अब जोड़ लो ना भाई, इतना जोड़े के ना है जोड़ तो आठ जीरो आठ चार बारह हाथ में एक जीरो जीरो एक। अभी देखो समझा कि ना इतना आया। सुन ले रे भाई, हमने तीन सालों के लिए कहा था कि एक के जैसा हो जाए। हम बोले थे थ्री आर जोर थ्री आर स्क्वायर बट्टा सौ जोर आर क्यू बट्टा चार सुनना। अब सुनो एक बात और, एक बात और, एक बात सुन लो। दशमलव के बाद जब दो एयर वाला था तब दो अंक लिखते थे, जब तीन एयर वाला आता है तो चार चार अंक में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? याद रखो ये दो को मिला के फिर इन्हें दो को मिला के ये दो अंक तक लिखेंगे, जो भी हासिल आएगा ये इसको देगा, फिर दो अंक तक लिखेंगे वो से ज्यादा जो भी हासिल आएगा ये बाहर वाला को देगा। समझा कि ना? बाहर तो ए टू जेड लिख सकते हैं। देखो ये भूल जाएंगे, कोई एगो रेट उठा लो दू दुया दुया ना है दुया 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 हर साल के लिए रेट दू है। दू का क्यों दू दुना चार चार दुना आठ आठ ऐसे ना दो अंकों में लिखेंगे जीरो आठ जीरो आठ। अब इसका काम खत्म हो गया कि ना? अब आर स्क्वायर तीन से गुना कराओ दू का स्क्वायर चार आ चार तियार कुछ दिलाई है तो ऑलरेडी दू अंक अब हासिल कर दे दू अंक के बाद ना हासिल दे तीसरका एक घर में ना बैठता है इसलिए ना हासिल दे देता है। सुन लो दू के स्क्वायर चार चार तियार बारह आ बारह हासिल हासिल तो है ना आई दू अंक में तो हासिल पर सिया के ना देते पूरे लिखा देते ठीक आ ओकरा बाद ही कथी कहे छे थेरी आ बता रे भाई बात तीन दुना कर दे छह तने मिला वही छे एला पहले दू गो के निकालबे फिर निकालबे तो ड्रामा खेला खेले से बढ़िया है फिर याद रख आ डायरेक्ट ले। अभी तनी देर पहले हम दो साल वाला के निकालना नहीं सिखाते, जब एक के जैसा रेट हो जाए तो क्या सिखाते टू आर जोड़ आर स्क्वायर भाई सौ सिखाए थे कि नहीं रे? आज तीन साल के है तो थ्री आर जोड़ थ्री आर स्क्वायर बट्टा सौ तब आर टू। देखो टू आर हुआ तहिया टू आर स्क्वायर नहीं आर स्क्वायर बाय हंड्रेड से समाप्त क्योंकि दो अंक है, लेकिन ये तीन सालों के लिए है तो टू आर नहीं थ्री आर जोर थ्री आर स्क्वायर यहाँ थ्री लग गया आ सेमे है खाली यहाँ थ्री लग गया फॉर्मूला सेमे है खाली एगो जुड़ जाता जिस तरह का आर स्क्वायर बटा हंड्रेड से खत्म हुआ था उसी तरीका वो आर स्क्वायर बाय हंड्रेड से नहीं आर क्यू पावर एक पावर दो याद रखना पावर एक पावर दो पावर कॉमन सेंस अप्लाई करना है। जब दो साल वाला टेमारी आ रहा तो दो से गुना करावत गई अंतिम वाला में दो से गुना ना डायरेक्ट स्क्वायर छोड़ दिया। जब तीन साल वाला टेमारिया है तो तीन से गुना कराते गया लेकिन अंतिम वाला में तीन से गुना ना कर लाए डायरेक्ट क्यू करके छोड़ दिले बट्टा में की कर दिले फॉर्मूला इसे याद इफेक्टिवेट ना है सीआई का रेट का मतलब होता है सौ में कितना सौ में कितना सौ में कितना जल्दी बोल तो जल्दी बोला परसेंटेज के मतलब तो कहे छी सौ में इतना हते पहले ही देख ले लिया इसे बना बना के दू दू गो वाला कह के आ देखे फॉर्मूला पर एक बार बने कि ना धक धक बनते लेकिन एन्ने से बढ़े तो ना चाहिए कहके हासिल एक देते तो चेंज ना होते रहता है बताइए कहीं चेंज होता है ई पड़ोसिया के चेंज करता है ई एकरा चेंज करते समझ ले के ना भाई बा एहेला कह रही है
गुरुजी जोर घटा सिखाते ना भूल गए वे नियम आ भाई रे अलग अलग दे दे अलग अलग दे दे आ तब इफेक्टिव रेट कहे तो पहले दूगो के बीच निकाल लो आ जे निकल के फिर ओकरा से तीसरा से कंपेयर करा के समझा के ना तीन साल आ एक कैसन डाटा दे दे तो बस थ्री आर प्लस थ्री आर स्क्वायर बटा सौ प्लस आर क्यू बटा एक एक पर चार जीरो मतलब दस हजार जोड़ा में सुनना लेके आएगा तीन सुनना ना दो सुनना तो अगला बार चार सुनना समझा कि नहीं संतीज आ याद रखना तुम लोग से दो ये साल वाला पूछेगा रेयर केस में तीन साल वाला पूछ लिया था फिर भी सीखना तो सब ना है आ ज्यादा कहेगा चार साल वाला भैया तमाशा करने लगेगा तो बताओ मूलधन अमाउंट मूलधन अमाउंट मूलधन अमाउंट मूलधन अमाउंट लेकर नहीं सिखाया आ न तो पावर चार मान के पहला साल के लिए दूसरा साल के लिए तीसरा साल के लिए चौथा साल के लिए नहीं सिखाए एकदम डिटेल से बना देना पिछला क्लास में तो वही सिखा रहे थे आ न दो साल तीन साल वाला पूछे तो ढक सिखाई से बनाना ओकरा बाद हिया पर आप ये इफेक्टिव रेट आएगा एक मतलब होता है मूलधन सौ जो रेट वो ब्याज दोनों के जोड़ ले सौ आए ब्याज के तो निश्चितन दिया हुआ निश्चित राशि की तुलना दिया हुआ से जे निकलना से सिंपल तो है नया सिंपल बाहुबली चलिए कोडिंग है हम ही समझेंगे चिल्वे समझेगा बाहुबली कौन है कोई बैठा ले अमरेंद्र बाहुबली हाँ हमरो क्लास में बाहुबली है कमजोर सर देखिए किसी को कोई दिक्कत नहीं तीन साल वाला आगे प्रैक्टिस करा दू चलो आ मुंह पर आप कॉपी किताब के सहारा नहीं लेना रेट हर एक साल के लिए मान लो कि कोई कह देता है ए प्रतिशत यह क्वेश्चन में कह देगा न बोधे वाला कि रेट अगर हर साल के लिए तीन साल है ए है तो बताओ दो साल के लिए तो क्या होगा टू ए प्लस ए स्क्वायर बटा सौ इफेक्टिव रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट होगा कि नहीं तीन सालों के लिए बता दो अगर हर साल पहला साल के लिए ए प्रतिशत दूसरा साल के लिए ए प्रतिशत से ब्याज लगा तीसरे साल के लिए ए प्रतिशत से ब्याज लगा तो बता क्या कर देगा थ्री ए प्लस थ्री ए स्क्वायर बटा सौ जोर भाई बारे एक पावर दो पावर अमेरिका पावर पावर तीन न रे भाई जीरो भाग लो ने चल समझ ले भूल जाइए तो याद रखिए एक पावर दो पावर तीन पावर पहला भूलते भूल ले थोड़ा जाए याद रखिए दो साल वाला है तो दो गुना है चाहे स्क्वायर तीन साल वाला है तो तीन तीन गुना है पावर माथा पर धीरे धीरे पड़ रहा है कैसा फील आ रहा है पानी पीने पानी पीते रहना चाहिए शर्माना ना इधर देख रहे दो साल वाला समझ में आ रहा था यो पूछ दिया डायरेक्ट तो जवाब दे देना है समझा आ एक्स देता तो एक जगह खाली एक्स लिखते समझा कि नहीं चल ए पहले दे दिलाई हो तो बता भाई रे तीन साल के लिए तीन साल के लिए फाइनल रेट ऑफ सीआई फाइनल फाइनल बोलो चाहे इफेक्टिव बोलो रेट ऑफ सीआई बताओ याद रखना जब हमने तुमसे पूछा था कि बताओ दो साल में सीआईएसआई के अंतर तो ये जो जोड़े थे ना ओकरा हटा दिए थे क्योंकि कॉमन होता है तो काट नहीं देते रे ये बताओ मैं पूछूं कि साधारण ब्याज है साधारण तो पहला साल ए रुपया ब्याज तो अगले साल ए रुपया ब्याज लगते कि ना तो मिला के टू ए होते कि ना साधारण ब्याज तो टू ए में से खींच लो वही तो खाली ई वाला बचते कि ना बचते जल्दी बचा तो जब सी आई एस आई के अंतर कंपाउंड इंटरेस्ट और चक्रवृद्धि ब्याज के मैं अंतर पूछता था तो ई खाली हटा देते थे एक एक एक्स गुण वाई बटा सौ नहीं होता था आ एक से दो बार है तो स्क्वायर बटा ना सौ बदतर उसी तरीका से
कोई तुमसे 3 साल का CISI का अंतर पूछे तो बताओ। अगर मैं पूछूं कि पहला साल ए रुपया ब्याज तो साधारण ब्याज बता, तो पहला साल भी ए रुपया ब्याज, दूसरा साल भी ए रुपया ब्याज और तीसरा साल भी ए रुपया ब्याज है, तो तीनों साल में मिला के कितना? तो 3 ए, तीनों साल में मिला के कितना? 3 ए। आ ये तीनों साल के चक्रवृद्धि ब्याज कितना? तो 3a+3a² दिस दैट, तो में से 3a घटा देबे साधारण ब्याज, तो काट देते घट के खत्म कर देते, तो खाली ये बचल कितना बचल? तो दशमलव से पहले वाला जो मान आता है वो चल बसता है, ये खाली फॉर्मूला भूल जाओ। अब मैं पूछ दू, अब 3 सालों के लिए ना है, 3 सालों के लिए CISI के अंतर बताओ। मजा है, मजेदार क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है। दशमलव के पहले वाला पूरा आएगा ऐसा गलत संग में ना, दशमलव के पहले भी आ सकता है। कैसे देखो, कैसे तो देखो। अब मैं एक क्यों पूछूं कि पहले रेट पहला साल के लिए एक क्यों बुला दिया है ए, पहला साल के लिए भी ए, दूसरा साल के लिए भी ए, तीसरा साल के लिए भी ए, तो बताओ फाइनल रेट ऑफ CI कंपाउंड इंटरेस्ट। जल्दी बोल, बोलिए न रहा है, बोलो। प्रतिशत। आ दोनों का मैं अंतर पूछूं कंपाउंड इंटरेस्ट और साधारण ब्याज तीनों साल का, तो खाली यह ना हट जाता है, ना घट जाता है। ए ए ए साधारण ब्याज तो 3 रह जाती है, अरे दर गुने समय ब्याज की प्राप्ति नहीं होता था, दर ए है समय 3 साल है तो 3 नहीं होगा, ये में से पूरा में से 3 घटा वाली खत्म हो जाते कि ना, नानी घर घूमे चल जाते दोनों कन्हा पर हाथ धके ना बता देते, अरे 5 में से 5 घटा दे भाई तो 0 ना हो जाते, आ 0 जोड़ ले की आ घटाइले की, समझता है कि नहीं? ये एकरो ले डूबता है, खाली ये ना बचेगा, कथी बचेगा? तो 3a² + 3q² आदत भुला लेना है, अंतिम में दूसरा साल है तो 2a² है, सीधे a² है, 3 साल है तो अंतिम में 3a³ है, सीधे a³ = 4। समझा कि नहीं? परसेंटेज लगले है बगल में दिया पहले से जब कल सकते, समझा? देखो ना कैसे करता छोड़ जाता है। अब तनका और तोड़ते हैं, ए प्रतिशत देखो, ये 3a दशमलव, ये 2 अंक में लिखेगा तो 3a² 2 अंक मेरे भाई, 1 अंक 2 अंक, समझा कि नहीं? ई वाला 1 अंक 2 अंक में लिखेगा कथी, 1q 2 अंक में, कई अंक में? 2 अंक में, 1 अंक में लिखे के गलती ना करिए। अगर कोई 1 अंक में आगलो जैसे 1q1 हो जाए तो 1 नहीं लिखना, 0 है, 2 अंक बनाइए के लिखना, समझा कि नहीं? 2 के क्यूब 8, तो 8 नहीं लिखना, 0 8 0, समझा कि नहीं रे भाई? ना कि 8 वाले पट से कला पेट के 8 लेके 2 अंक बना के, अगर 2 अंक से ज्यादा आ गेल तो अंतिम से 2 अंक तो लिखबे कर भाई इकाई तरफ से, ओकरा बाद जैसे एकरा से नहीं एकरा हासिल एकरा भेज दे, समझा कि ना? याद रखना बात को, तनका एकरो तोड़ के लिख पैसा ही, जाहिर सी बात है बट्टा में 100 लगा लेते दशमलव तब खाना फिक्स ना रहिया, जो सिंपल है सिंपल है बाहर रख ले दशमलव के बाद, पूर्णांक में, पूर्णांक है तो है आई बट्टा में है तो देखो क्या कर रहा है दशमलव में, कथी 2 अंक में, आ तीसरा अंक जैसे ये होता है तो दशमलव के बाहर जे आना होगा से भेज देना, इसमें कुछ हैते नहीं कि बढ़ाते चाहे घटो, ये आना होगा सर 3a² कोई नहीं ना समझा कि 3 ही है a² ही है, ऐसा कोई नहीं ना समझा? हाँ, कहते हैं कि इसका जो मान आएगा ना 2 अंक में लिखना है, चलो ना बट्टा में हम ये वो सीधा डैश मार रहे हैं, आए कि एक के बात है ये ना कि कोई समझ ये 3 ही आए इसका ही है, ऐसा तो नहीं? बहुत बढ़िया,
ओकरा बाद कथी रे भाई एक क्यू क्यू ध्यान रखना है कि दो अंक में लिखना है और दो अंक से ज्यादा आता है एकरा हासिल दे आ शोभा लगेला जीरो लिख दी पहले तो कोई दिक्कत हो जाए नहीं काहे कि घट के तो जीरो आइबे ना करती हियां जाने ले कि जीरो के कोई वैल्यू नहीं है तो ई तो हम तोरा ऐसे कहली हां आज ही कर देलियो अब मान ले ऊपर एग्जाम में तो रेट ऐसे 1% देगा क्वेश्चन बनाने से हो सकता है तो 2% दे 3% दे 4% दे 5% दे 6% दे 7-8 कुछ दे सकता आप ई प्रतिशत का मतलब है पहला साल भी 1% की रेट से ब्याज दूसरका साल भी यही रेट से तीसरका साल भी तब क्या करेंगे इफेक्टिव रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 3 इयर्स अरे 2 इयर्स नहीं 3 इयर्स सुन लो बनाओ जयमाला बेटा ए सुंदर से समझा के रहे आई एकरा कोई जरूरी नहीं तो कितो बड़ा रहते ऐसे लिख दे समझा के रहे जे छेड़खानी इधर बताओ एक के क्यों रे भाई ए फॉर्मूला कहाँ गलो क्यू में ना करना है क्यू बता इतना तो एक के क्यू एक तो एक ना जीरो एक लिखी सुन ले आ भाई स्क्वायर वाला मेटर तो एक के स्क्वायर पहले क्यू तब स्क्वायर आ तब सिंपल पहले क्यू के काम तब स्क्वायर के काम दो एयर वाला रहता है तो पहले स्क्वायर का काम और तब सिंपल जब तीन एयर वाला रहेगा पहले क्यू के काम तब स्क्वायर के काम तब सिंपल याद रखना है कि क्यू करेंगे तखने कोई थ्री से गुना नहीं यहाँ दो एयर में स्क्वायर किए थे तो कोई दो से गुना किए नहीं लेकिन ओकरा पहले दो से गुना तो क्यू करेंगे तो कोई तीन से गुना नहीं लेकिन जब स्क्वायर शुरू हो जाएगा रे भाई तो तीन से गुना कराना न भूलना बिल्कुल ना भूले सिनेमा हॉल में आना ना रामाकांत प्रसाद के फिल्म लगे अभी चल रहा है और सीएमसीसी पर हमरे अभी इंडिया के एक्टर तो हम है ना चलिए कहने का मतलब सब्सक्राइब करो तब ना अगला बार हमारे फिल्म लगे आता है आएंगे जल्द ही पर्दा पर ध्यान बड़े अभी छोटा पर्दा पर तो पहले एक्टिंग कर ले ना शुरुआत तो छोटे प्लेटफॉर्म से ना हो चलिए ऐसे भी हम हिंदुस्तानी के बात कथी है पढ़ते हैं बिहारी चलिए अब बिहारी के खाटी मीठर तो सबको पता बलाडे में बिहार के होता है ये बता रहे हैं सीखना नहीं पड़ता बिहार के जैसे तुमको सीखना पड़ रहा है अपने सब कुछ तुम जानो चलो तो एक का क्यू कंसेप्ट को खाली दिमाग में रखना ऐसे फॉर्मूला भूल भी जाओ तो दम याद रखना पावर एक पावर दो पावर तीन माथा शांत करके सोचना अंतिम वाला में कोई तीन से गुना नहीं अंतिम वाला में कोई दो से गुना नहीं आ तीन साल वाला है तो देखो लगातार तीन से गुना दो साल वाला है तो लगातार दो से गुना मैटर खत्म देखिए एक का क्यू एक लेकिन एक लिख के नहीं निकल रहा है दो अंक तो की लिख दू की एक के एक को रह जाए आ दो अंक में बन जाए तो पहले जीरो लगा देवे तब ना बाद में जीरो लगा तो 10 बन जाए सुन ले अब स्क्वायर के काम तो एक के स्क्वायर एक आहे तीन से गुना ना करना भूले एक तिहाई तीन अब बट्टा में 100 है तो दो अंक में बनती तो हो जाते 0.03 दो अंक में लिखना है तो लिखना है तो लिखना है 0.03 0.03 ना डायरेक्ट लिखवाई बस तो कभी भैया ऐसा क्यों होता है तो सुन ले रे भाई एक के क्यू तने एकरा खींच के हियां लाते हैं एक के क्यू एक आ बट्टा में 1, 2, 3, 4 सुनना है ना तो 4 अंक बाद दशमलव पड़ते कि ना पड़ते तो बता हियां 4 अंक बाद दशमलव पड़ता है तो इनने 4 को सुनना दो इनने ना 3 को सुनना देबे कि 4 अंक बन जतै आ तने गौर कर अब 4 अंक बाद दशमलव लिखबो है भाई पड़ गेले कि ना पड़ गेले ठीक तो इसका मानी आती है अब तने हियां बैठा एक के स्क्वायर एक अब तने इसको खींच के हम यहाँ लाते हैं इसका जरूरी नहीं था लेकिन बताना जरूरी कि आखिर चौथा स्थान पर ऐसा क्यों होता है दूसरा स्थान पर क्यों होता है बताने के लिए इसको खींचना पड़ेगा
एक है देल, एक के स्क्वायर एक, तीन से गुना करबे तो तीने रह जतो है। आ बट्टा में पर ये चार अंक बाद नहीं, अभी कहता है कि दो अंक बाद दशमलव है। तो बताओ इसका मान तो होता 0.03 समझा कि नहीं, या 0.3 जीरो तो शोभा लगे ला रे। दो शून्य के मतलब दो अंक बाद स्थान तक की करिए, एगो शून्य बैठा दिए। आ देखो ना हिया बेहुदा के तरह 0-0 है, कोई बात नहीं। आई देखो दो अंक पर है कि ना, दूसरा स्थान तो दशमलव से दो दूरी बने ले है कि ना। आई देखो तारा मिया दशमलव के बाद कई दूरी बने ले, चार। एहले ना एकरा चौथा स्थान पर हम रखे हुए हैं। आ बाकी जो आएगा जे में जुटेगा, जे तीसरा स्थान पर आ जाते कुछो जीरो छोड़ के बड़का मान तो ए में ना जुड़ जाते। चौथा स्थान पर कोई इतने आ जाते बहुत बड़ा मान तो ए में ना जुड़ जाते। एहे ला हम कर रहे, लेकिन ये फिक्स है कि ये दो गो मान तो भैया होते, क्योंकि अब इसको जुटने के लिए ए में ये एक कभी भी तीन में जुटता है कहाँ, ये दसवा सौवा हजारवा दस हजारवा भाग, दस हजारवा भाग सौवा भाग में जुट लगे खेला चल रहा है। यह ला सीधे लिखा जाए, बता हजारवा भाग सौवा भाग में कभी जुटता है, और दशमलव के बाद ना पड़ते दसवा सौवा। इकाई को इकाई में जोड़ते हैं, दहाई को दहाई के साथ जोड़ते हैं, सैकड़ा को सैकड़े के साथ जोड़ते हैं, हजार नहीं जोड़ घटा में पड़ा था। दशमलव में दसवा को दसवें के साथ जोड़ते हैं, सौवा भाग को सौवे भाग के जोड़े सोचे। तो बता खेला थोड़ा चल रहा है, एक जो अलग है दसवा सौवा हजारवा दस हजारवा दस हजारवा भाग कहूँ ये में जुट लगी है। आ ओकरा बाद तो खेला और ये हो जाता है, तीन गुने एक होते कितना, ये तो दसवा है, ये तो इकाई हो गया ना, हो गए रे भाई। बता ये एक कभी भी ये दस, ये दस हजारवा भाग दसवा सौवा हजारवा दस हजारवा भाग कभी भी सौवा भाग में जुटेगा, बिल्कुल नहीं। तो सेम टू सेम आ जाएगा कि ना अपना स्थान पर, यह हजारवा भाग कभी भी सौवा भाग चाहे इकाई में जुटेगा, बिल्कुल नहीं, इसीलिए सेम टू सेम आ जाता। लेकिन देखिए अरे भाई ये कोई मा भाग तो जीरो जुट के इला तीन के तीन दिख गए, लेकिन उसे ज्यादा थी तो सौवा में जुटती इला ने कहते कि दो अंक के बाद जे आएगा ये में जोड़ लेना, फिक्स है। लेकिन अब आपको समझ में आ रहा होगा कि आखिर भैया क्यों बोल रहे हैं कि दो अंक को सीधे उठा के ले, क्योंकि किसी में जुटेगा ही नहीं, जब जुटा गए ही नहीं तो मान बदलेगा कहाँ, मान बदलेगा ही नहीं तो सीधे उठा के हम पहले ये क्यों ना लिख दे। लेकिन याद रखना है कि दो अंक बना के लिखेंगे, आप बना के लिखने के लिए अपना से पहले जीरो दे सकते हैं ना, दे सकते हैं, यही लाम सुनना है मैंने बोला पानी। अब यहाँ और कोई मान आ जाती, जैसे 225 आ जाती है तो दो दो पाँच, तो दो पाँच तो लिखती है, आ ई दो ये में जुट जाती कि ना तीन में, तो यहाँ पाँच लिखती है। यहाँ नाम कहते हैं कि दो अंक बाद जाए ना हासिल के रूप में लो, ताकि ये में जुट। आ फिर एहो में उसी तरीके से दो अंक बाहर आती है तो पूर्णांक में ना जाती बाहर इकाई की तरह, इकाई में हंस ना जोता। चलिए थोड़ा सा और, 1.235 इस तरीका हमको डाटा भेटा दिया। बताओ एकरा ने बाहर कुछ नहीं रहता है, बताओ सेम लिखाता है कि नहीं लिखाता है। देखो एकरा बाहर जे आ गया, क्या यह पहले वाला में जुटेगा कि नहीं जुटेगा, 23-2 46 होता है कि नहीं, बाहर नहीं फेंके पूर्णांक नहीं जोड़ते थे, इसीलिए एकरा तुलना के लिए यहाँ पर है ही नहीं कोई अंक, तो आंख बंद करके लिख देंगे कि नहीं। अब बताओ ये अतिरिक्त आ जाएगा ऊपर वाला में जुटता है कि नहीं जुटता है, इसीलिए रे भाई, इसीलिए रे भाई, इसीलिए हम कहते हैं अभी मिटाते हैं, रुको इसे कोई काम के नहीं है, बेफालतू डाटा के क्यों रखे, दो अंक तक लिखो और उससे और बढ़ाता है तो परोसिया के देना, फिर लिखो उससे और बढ़ाता है तो परोसिया। एनीबॉडी है प्रॉब्लम, बट्टा 4-0 के कारण ऐसा हो रहा है, बट्टा 2-0 के कारण ऐसा कर रहा है, इसमें 2-0 के कारण ऐसा होता था, ठीक है। आप देखो कैसे जल्दी जल्दी बन जाता है, आप देखिए कैसे जल्दी जल्दी बनता है, एक का क्यू एक, दो अंक कम से कम बना के लिखना, 0-1 लिख दो, आ जाहिर सी बात है वैसे पहले 0-0-0 आए लेते, आ जोड़ के तमान बदल लेते ना, तो उनका चर्चे करना बेकार।
आप बताओ स्क्वायर एक के स्क्वायर एक तीन इकाई तीन एक के अंक के तीन होता है लेकिन दो अंक में कम से कम ले समझ में आ रहा ना जीरो तीन क्यों लिखे आप बताओ क्या कहता है थ्री गुने एक तीन गुने एक करवे तो कितना हाथ एक दो अंक में लिखे कब सकता नहीं और कहा जीरो लेके जाए कोई जीरो लिखो देगा अपना मन से जीरो पहले भाई भाई अब यह सख्त जरूरी है ना ये एकरा कारण है तो दो अंक बाद में दशमलव पढ़ ला चाहता है आए बट्टा में सब है तो आई एक के अंक तीन तो दो अंक बनावे तो पढ़ते कि ना पढ़ते अब जल्दी जल्दी बोल दो के क्यू तीन वर्ष के तो पहले क्यू से शुरू करवाई स्क्वायर पर पहुंचवा या सीधे सिंपल चलो पावर है दो के क्यू आठ अभी हमें तीन उनसे गुना कराओ अंतिम वाला में नहीं कराएंगे तब दो के क्यू आठ लेकिन अफसोस दो अंक में लिखना है तो लिखना है पहले तो हम चार को ऐसे इसे पार लू चिन्ह देखो कमाल अंतिम चार सुनना का मतलब है कि एलसीएम सबके लगे तो सबके बट्टा में चार सुनना वाला आते कि ना आते तो ऊपर जे भी माना जाता है तो समझो के चार अंक तक लिखते कि ना लिखते तो चार बहाली हले इसे लाइन काट दो दशमलव के बाद दो के क्यू आठ लेकिन अफसोस एक अंक में नहीं लिखेंगे दो अंक जीरो आठ लेके छोड़ दो चल क्यू के काम खत्म अब इसका स्क्वायर कर दो के स्क्वायर चार तीन सब गुना कराओ कि ना बिल्कुल तो चार तिहाई अब दो अंक में है ना तो सुंदर से बारह लिखिए दे समझा कि नहीं ना भाई हाँ तीन अंकमति तो हासिल लेने दे देती है कि अब सुन ले अब एक क्यू स्क्वायर क्यू करू की स्क्वायर करू की पावर एक में छोड़ दो क्यू हो ये गले स्क्वायर हो ये गले तब एक ना रे भाई दू के पावर एक तो ऑलरेडी माथा पर छिपले रह तो दुइये ना आ तीन से गुना कराओ कि ना कराओ बिल्कुल कराओ तो तीन गुना मुंह पर होता है जाएगा ये फॉर्मूला याद करने में देखते रहो अभी कैसे निकलता है जब हम मूलधन साधारण ब्याज में ब्याज की प्राप्ति कब जब दर में समय से गुना करा दिली तो ये मुंह पर कला रहो तनी सानी कॉमन सेंस की जरूरी था इतना बात समझना जरूरी था कि आखिर हो क्यों रहा है मन में कोई एकरा प्रति डाउट संदेह देखो तुमको कोई बीमारी नहीं ना रह गया और तोरा गलत फैमिली का शिकार हो जाएगा कि हमरा ये बीमारी हो गया तो तू बिना बीमारी के मर जाएगा समझा कि नहीं उसी तरीका पढ़ाई में अगर ये कैसे आया ये समझ में नहीं ना आया तो तुम ये बात को मानने के लिए तुम्हारा दिमाग रेडी ना रहेगा और शरीर को कष्ट नहीं देना चाहता है मन भावना जैसे बहाना चाहेगा बहा देगा बहुत बेकार चीज होता अपने आप से कंट्रोल करना होता अब तुमको पता चल रहा है कि क्यों ऐसा लिख रहे हैं तब तुमको याद नहीं करना पड़ेगा बैठ जाएगा अपने दिमाग में समझ में आ रहा है कि नहीं इसीलिए तब समझा है अब बताओ कोई दशमलव नहीं जानता तो उसको क्या समझ में आएगा इसीलिए ना स्टेप बाय स्टेप पढ़ाए थे सीधा उड़ा के चैप्टर एन्ने उन्ने करके देना देखो मुंह पर कैसे निकालेगा फॉर्मूला रटा नहीं जाता है मुंह पर निकलता है अब कहीं देखल ऑप्शन में देखेगा एक प्रतिशत रेट से तीन ईयर के लिए तो जो ऑप्शन में रहेगा धक्के का तो उड़ा देगा पावर एक पावर दो पावर तीन तीन से गुना हुआ तीन ईयर के लिए बट्टा सौ हुआ क्यों है दस हजार हुआ बताना पड़ेगा तोरा उड़ जाएगा देखते उड़ जाएगा जो ऑप्शन में रहेगा आ इो कैसे लिखा जाएगा देखो ना हासिल आएगा तो देखो कैसे हासिल दिया था अब देखो खाली सिका तीन साल ला कहे छे तो चार गो घर बना दो फिक्स हो गए क्यों बनाना है आप सुन लो पहले क्यू से स्टार्ट कर दे तीन के क्यू और दो अंक में सोचना क्या है आ दे दे मेरे हाथों में ना गणना सुन आप क्यू कर के स्क्वायर करो स्क्वायर क्यू के काम खत्म है स्क्वायर सोच में तीन के स्क्वायर नौ अब तीन से गुना कराओ कि ना कराओ पूछना है कराओ कि ना कराओ गुना कराइए दो तीन के स्क्वायर तो नौ वाले हो और तीन से गुना तो नौ तिया दो अंक में तो ठोक दो हासिल उसिल तो देते हैं अब देखो अब जय रहते अब सिंपल तीन तिहाई मीटर खत्म देखो कैसे गाड़ी चलता है दशमलव तीन अंक वाला आंख बंद करके चार अंक लिखो कि ना लिखो एने तो कुछ लिखे के आवश्यकता है पूर्णांक चार के क्यू मुंह पर याद है एमें तीन से गुना नहीं कराना है तो लिख दिए
अब एक स्क्वायर 16 आ 16 दिया 48 है लिखे से पहले एकदम पूछबे कि कुछ हंसलो है नहीं ये पूछना ना भूले पता चलते 48 लिख लिया यहां से देले रहता एक दो आ न जोड़ती है तो मजा आ जातो समझ रहे कि ना अभी चार तो चारे रहते ती आई पारो आ पूछ लिया लिखे से पहले कि हासिल पड़ोसिया कुछ देना था कुछ न देले ऑलरेडी दुनिया में तो हासिल कहां से देते देखो पांच है बड़का पांच पांच के क्यू है भाई अरे सुन ना दशमलव कई अंक में लिखना था चार अंक में सुन ले बता इकाई दहा से लिख देवे तो पूर जता बेफलतुआ लै बप का सौवा भाग पड़ा है कि ना सौवा भाग के जगह जुड़ जाए लेला सुन लो पांच के क्यू 125 125 होता जरूर है लेकिन इसका 10,000 भाग के लिख देंगे जे आएगा बट्टा में चार है दू गो तो नहीं भेटेगा आई दूसरा से भेटना शुरू करेगा कि नहीं बचवा हाँ यही ला एक दूसरा से जो भी मानाएगा ना यहाँ से इनके तरफ जितना मान तो सबके हासिल के तौर पर यहाँ 125 में कति भेटा एक हासिल एक पांच के क्यू किए 125 25 लिख दिए दू गो घर पर हासिल एक अब क्यू की हमारी कथी करेंगे पांच के स्क्वायर 3 से गुना कराओ कि ना कराओ पांच के स्क्वायर 25 3 से गुना कराओ 25 से 75 कुछ भाई हासिलो है कुछ 75 दुइया रुपए बन लिख के छोड़ दे आप बता हासिल अब फिर हाथ में वाह 76 है तो फिर हाथ दो अंक तक लिखा गया तीसरा अंक आते तब ना तीन अंक ले तब ना हासिल ले रहा है फिर हाथ में अब जोर दे रही है 5 के स्क्वायर 25 दिया 75 हासिल कर ले 76 तो 76 तो पूरा 76 लिखा गया हासिल कर 176 रहती तब ना हासिल में आप क्यों करवाई स्क्वायर खत्म है अब सीधे 5 दिया हासिल कुछ नहीं देखिए 6 के क्यू 16 भाई बारे 216 होला ई 16 लिखबै कि ना लिखबै एक अंक दू अंक तीन अंक चार अंक दशमलव देखिए 16 आ हासिल कथी 6 के स्क्वायर 36 दूना 72 आई जोड़ देंगे तो 6 के स्क्वायर 36 आ दूना बना दिया गलती हो गई 3 से ना गुना रे 36 दिया है 36 दिया जल्दी बोल 18 3 के 108 सुन ले हासिल कुछ दिले रहे दू जोड़ दही और हासिल का 110 110 रे बउआ लेकिन 110 ना लिखिए अंतिम से दुइया अंक तहिया तो 10 लिखा जाएगा आई जब बचल का की हो जाएगा हासिल हो जाएगा रे भाई हासिल हो जाएगा आप बोल छतरी जीनियस कोई दिक्कत अब ये में हासिल कैसे आ गया देखा क्या हिंया हमसे स्क्वायर बुला गया स्क्वायर थोड़े हो दो से गुना हो गया तीन साल बुला तो 3 से गुना ना करती हाँ ऐसा मिस्टेक हो तो एक दा जरूर ब्रेन से पूछ लेना कि कै साल लाए तो कहते 3 साल लाए तो दो से गुना कैसे कर रहे अपने फॉर्मूला याद आ जाते ऐसा ये 7 के कहते तो क्यू 343 तो 343 3 खाली 43 लिखवाई हाथ में कर 3 7 के स्क्वायर 49 49 किया कितना होना होगा तो पहले 50 किया को क्या तब ऐसे ही से घटा लेना सिखा दे 3 घटा ले 150 में 147 एन्ने आय ललई 3 150 हो जतै तो 50 आ फिर हाथ में आ लेते 1 आ फिर 7 3 21 आए 22.504 मीटर मुंह पर बोलाई लिखना कथी लेकिन जरा क्यों याद नहीं रह गया स्क्वायर याद नहीं रह गया कहाँ से बोले इसीलिए हम कहे थे कि 30-40 तक पहाड़ा उतने से ना पूछेगा बताओ हमको आ जाता है 32 दिया है तो हमारा इतने लिखना पड़ रहा है पहाड़े में 36 दिया आ गया गुना करना याद रहता पहाड़ा के तो डायरेक्ट बोलते 36 दिया 108 हासिल दू तो 110 लेकिन इतना याद करने का अवसर 20 तक पहरा टाइट रहो नवोदय के सब क्वेश्चन मन का गुना कर लेंगे समय की कोई कमी है नहीं।
चलिए बाहरी बच्चा साथे रहता तो भैया क्लास से पहले ओवर करना पड़ता है, तो एगो तो फायदा है इंटरनली लेके के जितना देरी तक। आज का सेवा समाप्त हुआ, कल बता देंगे बुआ, कल के क्लास में जरूर बता देंगे कि रेट कैसे निकालेंगे, टाइम कैसे निकालेंगे, समझा? क्यों जरूर जाके याद कर लेना दोस्त, दस ग्यारह तक तो याद है तो 15 तक याद करिए, ठीक है? सेवा समाप्त।